खर्चा पानी की कोई चिंता मत करो, सारे खर्चा पानी मैं दूंगा।
लेकिन चलो बाबा को लेकर घूमी है ना, जब संगीत का मान राधा रानी के चरण में लगता है, किसी तरह से राधा रानी की कृपा के चटपट चटपट हो रहा है, किसी तरह से स्मरण नहीं होता है, रोने लगे बोले हे राधे ऐसे कैसे हो गया, पहले जब भजन करता था मन तो संपूर्ण तुम्हारी चरण में डूब जाती थी, अभी स्मरण मिलेगी नहीं। तो उन्होंने एक जगह पर बैठे बैठ करके अपना जोगाग्नि को भजन करते करते राधा जी की विरह ने अपना शरीर से अग्नि प्रकट करके और वो अग्नि में ही अपना शरीर को त्याग दिया। इसलिए भक्ति में एकनिष्ठ होनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग में आए क्यों आए, बोले साधु का बड़ा कष्ट जीवन जाने, बोले कलयुग में जो साधु है ना बना बड़ा कठिन है। हम साधु किसको बोलते हैं कलयुग में, बड़ा चमत्कार दिखा दिया, विभूति दिखा दिया, योग सिद्धि दिखा दिया, जटा हिला दिया तो हाथ निकल गया, थोड़ी सी किसको विभूति दे दिया तो बेटा हो गया, किसको हाथ दे दिया, किसको नौकरी दे दिया, बोले भैया। इसलिए महाप्रभु स्वयं भगवान होकर के भी उन्होंने सन्यासी ग्रहण किया और सन्यासी ग्रहण करते हुए उन्होंने क्या किया, तीन रात स्वयं रात कृष्ण का बछड़े और तथा को उन्होंने चोरी किया। तथा सुने कि नहीं, जिस समय कृष्ण अघासुर को वध किया, अघासुर को जब कृष्ण 5 साल उम्र में जब उन्होंने अघासुर को वध किया इतने में ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जब सुना बोले भैया ये जय जयकार क्यों हो रही है, इतने में ब्रह्मा जी उतर करके आए और देखा किया कृष्ण 5 साल के बच्चे और उन्होंने जितने बड़े दैत्य को वध किया, फिर क्या देखा तो जो अघासुर का ब्रह्म तालु फट गई, फट करके फिर ज्योति निकली, फिर वो ज्योति कृष्ण का शरीर में लीन हो गई। ब्रह्मा बोली बालक देखो ये ब्रह्मा ज्योति भी जिनके शरीर में लीन हो जाए। फिर क्या देखा कृष्ण सखाओं को लेकर के यमुना किनारे में बैठे हुए, कृष्ण बीच में और चारों तरफ में हजार हजार सखा बैठे हुए और सब सखाओं को लग रहा था जैसे कृष्ण मेरे तरफ में, कृष्ण मेरे तरफ में ही कृष्ण, और सब सखा लोग घर से कोई मालपुआ लाए थे, कोई लड्डू लाए थे, पहले खा रहे थे। बोले कन्हैया मेरे भैया बड़े सुंदर मालपुआ भेजे हुए, बोले तू क्या अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे, वो छीन छीन कर कृष्ण सपना जो के खा रहे थे। कोई एक सखा लाए था छाछ, बोले कन्हैया छाछ बड़े अच्छा छाछ है, बोले भैया मेरे को भी थोड़ा दे दिए करो, बस देने का लाएगी थोड़ी तो पीने का लाएगी, तो जो मटकी में लाए थे ना इतने में कृष्ण और सखा में थोड़ी सी ले करके खेचातानी हुई, बोले मेरे को जो करते करते क्या हुआ वो जो छाछ गिरते हुए सखा की छाती पर गया, कृष्ण जीभ ला कर चाट रहे थे, वाह बड़े चौपल छाछ है तो अकेले खा रहा था। ब्रह्मा बोले हे भगवान जी कोई भगवान है जो झुठन फुटन कुछ पता नहीं, देखो क्या कर रहे हैं, सबका झुठन कृष्ण खा रहे हैं। उसने क्या किया आगे लीला देखने के लिए कृष्ण की बछड़े और सखा को उन्हें चोरी किया, चोरी करके फिर जब कृष्ण सखा को उठाने के लिए लिया आगे लीला देखने के लिए और उन्हें गुफा में बंद करके भी जब ब्रह्म लोक में पहुंचा ना, वो पहुंचने से पहले कृष्ण ही ब्रह्मा बन गए और ब्रह्मा जी के आश्रम पर बैठ गए और उनका जो दरबार थे बोले देखो नहीं आते, उन्हें ध्यान लगा करके देखा कृष्ण ही ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी का आश्रम को कृष्ण ही दखल कर दिया। ब्रह्मा तो डर तुम्हारे गए और आए और इसी जगत में हो गया 1 साल, लेकिन 1 साल जब हो गया ब्रह्मा जब आए देखा कृष्ण स्वयं अपना शरीर से सखा और बछड़े को सृष्टि करके कृष्ण स्वयं स्वयं को साथ में कृष्ण लीला करते थे, कृष्ण स्वयं स्वयं के साथ में लीला करते थे, मैं तो उनको गुफा में बंद करके रखा
लेकिन जहाँ करके देखा नहीं गुफा में सोए पड़े हुए, फिर इधर भी देखा कैसे निकला, जब एक साथ में दो सर इधर दो सर इधर, भगवान दिखाया देखो ये बचरे सखा कौन है। ब्रह्मा तो फिर चक्कर में पड़ गया, क्योंकि उनको पता नारायण एक ही है जिनकी नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ। लेकिन जब देखा अनंत नारायण, जब देखा ब्रह्मा समझ गए कृष्ण कौन है, ये गोविंद, ये गोविंद देव कौन है, कहते हैं बाप का बाप का बाप का भी बाप ये गोविंद देव। वो समझ गए गोविंद देव साधारण नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी 40 श्लोकों से उन्होंने ब्रह्मस्तुति किया है, उन्होंने ब्रह्मस्तुति किया, ब्रह्मा जी ने भगवान की विभूति को उन्होंने स्तुति की। इसलिए ब्रह्मा जी ने किया कि जो हंस वाहन के ऊपर खड़े थे ना, वहां से कूद करके सीधा कृष्ण के चरण में लेट गए और अपना आंखों का आंसू से कृष्ण का गोविंद चरण को उन्होंने अभिषेक किया। लोग प्रश्न करते हैं कि स्वर्ग में जो देवता है उनका दो गुण है, क्या गुण है, कहते उनका दो लक्षण है, बता सकते हो क्या दो लक्षण है, सुन लो। पहला लक्षण है उनका चरण कभी जमीन को स्पर्श नहीं करता, ये देवता का। दूसरा लक्षण साधारण वस्त्र नहीं, इतना किरत सुता के पद पद में प्रयाग जाना और केसी है और गोपिनी द्वार पहले बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम ले गए करे भी किया, जानकर नहीं है कि हम त्रिन ब्रज भूलि, कोई साधारण वस्तु नहीं, राधे तेरे चरण की ब्रज भूल जो मिल जाए, एक ब्रज भूल में इतने शक्ति ही कृष्ण कहते हैं, कितने ऐसे ब्रह्मा इंद्र चंद्र को स्वर्ग को प्रकट कर सकता है, ब्रज का एक भूल में इतने शक्ति है, इतने शक्ति चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब क्या, जो चिंता कर वही पूरी कर देती है ब्रजरज, ये ब्रजरज कोई साधारण वस्तु नहीं। इसलिए कृष्ण अपना पिताजी को कहते हुए पिताजी आप जो इंद्र पूजा करने चाहते, इंद्र कौन है, ये इंद्र कब बनते हैं, बोले 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर कोई इंद्र बनता है, 100 अश्वमेध यज्ञ, कहते 100 अश्वमेध यज्ञ में तो इंद्र बनते हैं, लेकिन करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने पर भी ब्रज की एक धूल को साथ को बराबर नहीं कर सकते, इसलिए कृष्ण बोले क्या इंद्र किया देने वाले कुछ देने वाले नहीं, इंद्र पूजा पूजा नहीं करने पूजा करना तो गिरता की पूजा करना। इसलिए भैया की ब्रज भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, इसलिए ब्रह्मा जी ने सारे अभिमान को उन्हें परित्याग किया, परित्याग करते हुए ब्रज रज की महिमा को जानते हुए सीधा उन्होंने कृष्ण के चरण में लेट गए। लेकिन लेट तो गए कृष्ण चरण में, लेकिन उन्होंने देखा शरीर का एक अंग ब्रज रज को स्पर्श कर रहे हैं और एक शरीर ही कृष्ण चरण को स्पर्श कर रहे हैं, मतलब भैया मेरा 3 अंग और बाकी रह गया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ये ब्रज रज में लौट को उठा लेते, क्यों, मेरे संपूर्ण शरीर ये ब्रज रज में अभिषिक्त हो जाए, मेरे शरीर में ब्रज रज में अभिषिक्त होगा, इसलिए लौट को उठा लेते और आंखों का आंसू से उन्होंने कृष्ण का चरणों को अभिषेक किया। अभिषेक करते हुए खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने भगवान को स्तुति करते हैं, बोले नौ मिटते अभ्र वपुषे तैलम्बराय गुंजावनस परिपी चलस मुखाय। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हुए प्रभु नौ मिटते अभ्र वपुषे तैलम्बराय, हे प्रभु आपका चरण में प्रणाम करता हूँ, आपका चरण में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप मेरे प्रभु हो। भगवान बोले मैं कब तेरे प्रभु बन गया, तेरे प्रभु तो नारायण है, क्योंकि नारायण के नाभि कमल से तेरे जन्म होगा, थोड़ी पहले से तुम जन्म हुए, तेरे बाप तो नारायण है, क्योंकि नाभि कमल से तुम्हारी जन्म हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मा कहते प्रभु आप ही मूल नारायण, वो जो नारायण है ना वो आपकी अंश है, वो आपकी अंश की अंश के अंश वो नारायण है, लेकिन आप मूल नारायण कौन कह रहे हैं, ये ब्रह्मा जी।
लेकिन साधारण लोगों को क्या पता जानते हो, अरे नारायण का तो जन्म नहीं, कृष्ण तो द्वापर युग में जन्म हुए, राम तो तृतीय युग में आए, नारायण का तो जन्म शुरू हो गया। लेकिन ब्रह्मा कहते नहीं, वो जो नारायण है कौन है, कृष्ण की अभिन्न स्वरूप में बलदेव प्रभु, उनकी आनंद से प्रकट हुए बलदेव प्रभु से। देखो कृष्ण कौन, ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद। ये गोविंद देव है अनादि के आदि, उसका जो आदि ये गोविंद देव है। कैसे देख लो, कृष्ण का जान अंग से बलदेव प्रभु प्रकट हुई, बलदेव प्रभु से एक मूल शंकर सन प्रकट होते हैं, ये शंकर सन से पर चतुर्भुज प्रकट हुए वासुदेव शंकर सन प्रद्युम्न अनिरुद्ध। यहाँ जो शंकर सन है यहाँ से फिर तीन विष्णु प्रकट हुए, एक दानव दशाई, एक गर्भ दशाई और एक व्यापी साई। इसमें जो ये गर्भोदक साई विष्णु है इन्हीं की ही नाभि कमल से ब्रह्मा जन्म हुए। अब बताओ क्या नारायण कौन हुए, कृष्ण का अंश, उनका अंश, उनका अंश के अंश बने के नारायण है। ये ब्रह्मा स्वयं ही बात को कहते हैं, भैया ये गोविंद देव साधारण नहीं, सबका मूल कारण पता है कि भगवान श्री गोविंद देव है। बोले श्री भगवान गोविंद देव की, इसलिए कहते प्रभुते प्रभु आप मेरे हास्य हो, आप ही मूल नारायण हो। अभ्र प्रभु से देखो कहते भगवान की शरीर रंग कैसे काला मेघ जैसे। बोले क्यों काला मेघ, ब्रह्मा जी क्यों कहते काला मेघ, ध्यान दे कर कल आपसे पूछूंगा। इसलिए कहते जैसे मेघ है ना, एक चिड़िया चिड़िया होता है जिसका नाम चाकर, वो चाकर चिड़िया कभी किसी नदी की किसी कुएं की किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, पॉपकॉर्न का पानी पिए। जब बरसात हो ना जो स्वाधीन नक्षत्र युक्त जो पानी, वही पानी को ये चाकर को पान करता है, सब पानी को पान नहीं करता है। इसलिए कहते हैं प्रभु जैसे 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 आपका चरण में मैंने अपराध किया है, अपराध के मारे मेरे हृदय जल रहा है, लेकिन आपका जो स्वरूप है ना ये वर्षा लोग मेघ जैसा आपका स्वरूप है, जैसे वर्षा लोग मेघ देख करके चाहत चिड़िया प्रसन्न हो जाते हैं, हे प्रभु आपका तो स्वरूप वर्षा लोग मेघ जैसा आपका स्वरूप, इसलिए प्रभु आप कृपा करके मेरे ऊपर में आशीर्वाद करो। ये एक कारण है। दूसरा कारण है भगवान बोले कि तुमने अपराध माफी मांग रहे हो, तो अपराध किया मेरे बछड़े सखाओं को तुमने एक साथ तो चोरी किया, माफी मांग रहे। दूसरा उदाहरण दिए आप लेना जो मेघ है ना जो बरसात तो होती है वो ये नहीं देखता है ये पवित्र स्थान ये अपवित्र स्थान। आप देखना बरसात तो सब जगह पर बराबर रूप में होता है। बोले प्रभु आपका जो स्वरूप है काला स्वरूप क्यों है, मेघ स्वरूप है, जिस मेघ सब जगह पर वो बराबर रूप में बारिश करता है, वो पवित्र अपवित्र वस्तु नहीं देखता है। आप तो हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपे सह गोपिका तात्तर हाथा तात्तर नमस्ते। प्रभु आप तो है गो कहते आप गुना अब गुना प्रभु देखो ना कामो हमारे गोविंद देव ऐसे एक भगवान ने सुन रहे थे ना उतना मारने के लिए आई थी, लेकिन ठाकुर जी का कोई अपगुण का प्रति नजर नहीं दिया, उसने जो कि माँ के रूप धारण करके आई थी एक सेकंड के लिए कृष्ण को गोद में लिया माँ भाव से, कृष्ण गोविंद देव उसमें संतुष्ट हो गए, होकर कहाँ स्थान दे दिया। बोले बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बड़े बड़े तपस्वी को पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो गोलोक वृंदाव है उनको ढाई माह के बाद भगवान उतना तो प्रदान किए हैं, इतने दयालु भगवान ने। इसलिए बोले नौ मिटते अभ्र पशु से तड़ी नंबर आए एक तो मैं, लेकिन जब उसमें बिजली चमक की है देखना उसको शोभा बढ़ जाती है। गोविंद देव देखने में तो काले हैं, लेकिन आप देखना जब विद्युत चमकती है काला मेघ में वो एक सेकंड के लिए फिर अंतर ध्यान हो जाती है, लेकिन हमारी गोविंद देव देव में देखना ठाकुर जो पीताम्बर धारण करते हैं, गोविंद देव तो काले हैं लेकिन उनकी शरीर में जो पीताम्बर है माना स्थिर विद्युत रूप में शोभायमान है, जैसे विद्युत स्थिर रूप में
विद्यमान भगवान की शरीर में, इसलिए कहते कड़ी तम पर आए बोले गुंजा बसन सब, भगवान की जो कानों में जो फूल है ना वो गुंजा माला सा। अब गुंजा फूल देखे हो कभी, बल्कि गुंजा फल का एक कर्ण घुसण क्यों धारण करते हैं बोले कारण है कि जो गुंजा जो माला है ना श्रीमद महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को दो चीज दिया था। एक तो उन्होंने गिरिराज शिला किया बोले रघुनाथ ये गिरिराज शिला नहीं ये स्वयं श्री कृष्ण है, और तुमको जो गुंजा माला दे रहा हूँ ये गुंजा माला नहीं ये श्री राधा रानी, ये राधा रानी है। इसे मानो भगवान जो गले में हार और कर्ण भूषण इसको बोले राधा रानी को ही जीवन का भूषण बना कर रखे। और दूसरा अर्थ कहते हैं कि जो गुंजा फल है आपको पैसा देकर खरीद रखने का जरूरत नहीं पड़ता, वो जंगल में जंतर तंत्र के फल होता है जहाँ का ये फल होता है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे को प्रसन्न करने के लिए ऐसे नहीं, कोई बहुमूल्य वस्तु जब भगवान को गोविंद देव को दे तभी भगवान खुश हो, भगवान को नहीं भैया मेरे को तो खुश करने के लिए कृष्ण क्या कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम स्वयं जो मैं भक्त्या प्रजच्छति। अगर भक्त मेरे को भक्ति करे तो उन्होंने चार चीज का नाम लिया पत्रम पुष्पम फल और पानी। तो विश्वनाथ जी को कहते हैं कि जो चार चीज है ना बिना पैसा का मिलता है, कहीं जा रहे हो पत्ते उठा कर दे दो, सुधा श्री विदुर ने क्या दिया ठाकुर को बोलो साग भाजी दिया है ना, दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, पत्र पुष्पम फूल किसने दिया गजराज ने, जब मगर बच्चे उसको खेच करके ले जा रहा था इतने में हाथी ने एक कमल फूल उठा करके जब ना रा अभी उन्होंने जन भी नहीं बोले जब ना रा बोले तो भगवान की चक्र आकर उन्होंने मगर बच्चे को काट दिया केवल दो अक्षर से। इसलिए भगवान पत्रम पुष्पम बोले फलम, भगवान को फल किसने दिया है बोले सबरी ने। इसलिए कहते हैं ना बोले सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई। आप बताओ पानी किसने दिया था, कल हम लोग सुन रहे थे ना अद्वैत आचार्य ने गंगा जल और तुलसी पत्ता दे करके उन्होंने ठाकुर जी को आह्वान किया, और आह्वान किया तो भगवान को आसन मिला दिया तो इनको कम कर, इसलिए भगवान की आसन को उन्होंने हिला दिया। केवल गंगा बहुमूल्य वस्तु की जरूरत नहीं, केवल भाव की भूखे प्रभु, भाव ही एक सार है और भाव से भगवान को भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भगवान केवल भाव की ठाकुर जी भूखे हैं बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। गुंजा बतन सीच लसल मुखाए बोले बन सजे कहते भगवान को कहते वैकुंठ में हीरे जवाहरात से लक्ष्मिया भगवान को स्वीकार करती है, कितना सुंदर। लेकिन भगवान कहते हैं इन सबसे प्यारा श्रृंगार कर क्या है बोले जब मेरी कोई फल फूल से पत्ते से मेरे को श्रृंगार करता है कभी ये श्रृंगार मेरा सबसे प्यारा श्रृंगार है। अब कोई वृंदावन में जाएंगे आप देखोगे बांके बिहारी को फूल का बंगला बनता है, देखे हो कहीं कौन कौन देखे फूल की बंगला, आप देखना वो कलियों से उनकी दोपड़ा बनती है, उनकी आभूषण बनती है, उनकी मुकुट बनती है, उनका कपड़ा देखो कल कलियों में बनता है, केवल कली कलियों में वो बनाते हैं। आप कभी देखना कभी जा करके कितना सुंदर श्रृंगार है। और ये साधारण लोग जब इतने सुंदर श्रृंगार करते हैं और राधा रानी जब कृष्ण को सुंदर कुंज सजाती होगी फूलों से, गोपियों ललिता भी सब समझो वो कितना सुंदर श्रृंगार नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं जब भी मेरी श्रृंगार
बहु रत्न से श्रृंगार करते हैं, लेकिन बंधना सजे, लेकिन ये वृंदावन का भाग पत्ते से जब मेरी सखिया मेरे सखा मेरे को श्रृंगार करती हैं, वो श्रृंगार सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है, वो श्रृंगार सबसे सुंदर श्रृंगार है। और कवल वेत्र विशाल वेणु, इसलिए भगवान कहते हैं मेरे को तो यहाँ जैसे दाल बाटी चूरमा खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं भगवान को राजस्थान में, लेकिन भगवान कहते लेकिन मेरा सबसे प्रिय भोजन क्या है, सबसे प्यारा भोजन क्या, बोले दही भात, दूध भात मेरे को सबसे बड़ा प्यारा है। कोई खाए हो दही भात दूध भात? ये जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को रोज भोग लगता है, वहां पर जगन्नाथ जी को दही भात दूध भात जगन्नाथ जी को भोग लगता है। द्वारका भी देखो, जितने धाम में आप देखोगे ना, जितने धाम में अक्सर करके देखोगे भगवान को दूध और दही भात ठाकुर जी को भोग लगता है। इसलिए कहते हैं भगवान सबसे मेरे प्यारा भोजन दही भात दूध भात है, कोई खाए नहीं, इधर के लोग खाते हैं उधर का लोग बहुत खाते हैं, इसलिए कहते हैं सबसे प्यारा ये मेरे सबसे प्यारा भोजन है, हैं? इसलिए मृदु पदे पशुपान में जा रहे हो, इसलिए भगवान जब वृंदावन धाम में विचरण करते ठाकुर जी, जिनकी चरण स्पर्श पा करके ये पृथ्वी इतने प्रसन्न हो जाती है, इसलिए कभी कभी कहती है कि जो घास ये घास क्या है, बोले मानव भगवान का चरण स्पर्श पा करके ये वृंदावन धाम इनके मान रोंगट खड़े हो गए। कहते जो झरना बहती वो झरना क्या है, बोले ये झरना नहीं, जैसे प्रेम से अपना आंखों से आंसू बहती है, कहती है वृंदावन धाम का आंखों से ये आंसू प्रवाहित होता है भगवान की चरण को स्पर्श पा करके। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में चलते हैं, हैं? इसलिए कहते हैं पशुपांग में जाय, या ब्रह्मा जी एक अच्छे सिद्धांत की बात कहते हैं, बोले भैया कृष्ण कौन है, बोले पशु पर, मतलब गैया को जो चराने वाले श्री नंद बाबा है, कहते कृष्ण ये नंद बाबा के लाला है, कहते ये नंदन नंदन है, बोले श्री नंदन नंदन की। और सखा लोग कृष्ण को साथ में जय जयकार करते हुए वृंदावन में प्रवेश करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी भगवान को बड़े सुंदर भगवान को स्तुति की, 40 श्लोकों से भगवान को स्तुति की, लेकिन ठाकुर जी किसी तरह से ब्रह्मा का प्रति नजर नहीं दे रहे थे। और सखा लोग तो कह रहे थे ये चौमुहा ये चौमुहा ये चार सर वाले कहां से आ गए, ये अजीब सा कोई जाने, जहां तो जाते हैं सबका सर एक होता है, ये चार मुंह वाले कहां आ गए। इसलिए ब्रह्मा जी देख रहे हैं मैं इतने सुंदर सुंदर स्तुति करता हूँ, लेकिन गोविंद देव का मेरे प्रति नजर नहीं है, गोविंद देव तो सखाओं के साथ में खेल रहे कूद रहे हैं, खेल रहे कूद रहे। इतने में ब्रह्मा जी ने सोचा अभी तक तो मैंने गोविंद देव को मैंने स्तुति किया, एक बार उनको भक्तों को स्तुति करके देखता हूँ, प्रजावासियों को देखता हूँ ये खुश होते हैं। तो उन्हें दो श्लोक से उन्होंने प्रजावासियों को स्तुति की, बोले अवोति धन्य ब्रज गोर मन्या, कहते अहो अहो मतलब क्या है, जैसे कोई हम जब आश्चर्य चीज देखते हैं ना हम क्या कहते हैं, अहो क्या आश्चर्य, बोलते ना क्या आश्चर्य है, अहो कहते भैया ये ब्रजवासियों ने क्या पुण्य किया, क्या पुण्य किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं हम तो कितना भगवान को यज्ञ में स्वाहा 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 करते रहते हैं, यज्ञ में स्वाहा, उसको द्वारा कृष्ण इतना संतुष्ट नहीं होते हैं, बोले कब संतुष्ट होते हैं, बोले जिस समय में कृष्ण जब भैया जसोदा की स्तन पान करती है, जब कृष्ण अभी बन गए कृष्ण सखा बन गए, हर घर घर में कृष्ण जा जा करके जो वृद्धा स्थानीय जो गोपियां हैं जो मातृ स्थानीय गोपियों का कृष्ण स्तन पान करते हैं। अब देखना बच्चा जब माँ की स्तन पान करते हैं उसी समय में बच्चे को देखो कितना खुश होकर दूध पीता है बच्चा, पान करता है कि नहीं, जब बच्चा स्तन पान करता है इतने प्रसन्न हो गए, बोले जब कृष्ण इनकी ब्रज गोपियों की जब कृष्ण स्तन पान करते थे कृष्ण कितने खुश होते हैं। फिर जब ब्रह्मा चोरी करके ले गए
हैं बछड़े को। अभी कृष्ण स्वयं बछड़े बने, बछड़े बन करके कृष्ण क्या कर रहे हैं, हर गैया की स्तन पान कर रहे हैं। आप लोग देखे हो बछड़े जब गाय का स्तन पान करता है, कौन कौन देखे हो, देखे हो, हम देखो कितना खुश हो गए। अगर बच्चे को गले में रस्सी बांधा होगा ना, वो रस्सी कभी नहीं खोल सकते हो, कहीं से छलांग लगाना चाहते हैं बछड़ा। और जब दूध पीता है कुछ खड़े करके और क्या प्रसन्न होकर के कहते, ब्रह्मा जी कहते हैं अभी कृष्ण ही बछड़ा सखा बने हैं, और बछड़े सखा बन कर क्या कर रहे हैं, ये गोपियों के स्तन और गैया के दूध पी रहे हैं। कृष्ण कितने खुश होकर के, ब्रह्मा कहते भैया हम लोग ब्रह्मा भगवान को यज्ञ में क्या सुहा 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 करते हैं, कृष्ण इतना खुश नहीं होते हैं। जितने कृष्ण प्रसन्न होते हैं इनके स्तन पान करने में कृष्ण जितने खुश होते हैं। कहते भैया अबोति धन्या ब्रजोगर कन्या, ये ब्रज के जो रमणी जो गैया इतने सौभाग्यवान, इन लोगों ने से कौन सा पुण्य किया है जो कृष्ण घर घर में इनकी स्तन को पान करते हैं। ये एक श्लोक। दूसरे श्लोक में बोले बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसा जनित्रा परमानंदम पूर्णा ब्रह्म सनातनम। दूसरे श्लोक में, पहला श्लोक में तो मैंने अहो केवल एक बार अहो शब्द प्रयोग किया, क्या आश्चर्य, लेकिन दूसरे श्लोक में कहते हैं दो बार अहो और अहो। हम कब दो बार अहो कहते हैं, जब बहुत बड़ी कोई आश्चर्य चीज हम देखते हैं, बहुत बड़ी आश्चर्य चीज देखते हैं ना, हम क्या कहते हैं, अहो क्या आश्चर्य क्या आश्चर्य। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया इतने आश्चर्य की बात है, बोले क्या क्यों, बोले कृष्ण कौन है, बोले पूर्ण ब्रह्म सनातन, कृष्ण पूर्ण है। क्योंकि कृष्ण कौन है, समस्त कारणों का जो कारण है ये भगवान श्री गोविंद, जब ये पूर्ण है ब्रह्म है अब ये सनातन, लेकिन ये पूर्ण ब्रह्म सनातन होते हुए भी कर रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं, बोले ब्रजवासियों किसी की सखा बन गए, मैया जब तक लाला बन गए, ब्रज गोपियों का प्रियतम बन गए, बोले भैया इन लोगों ने इसे कौन सा पुण्य की है, कृष्ण पूर्ण ब्रह्म होते हुए भी जिनकी सखा बन करके जिनकी झूठन खा रहे हैं, मैया जसुदा के शासन का स्वीकार करते हैं, ब्रज गोपियां जिनकी प्रियतम बन गई, जब उन्होंने ये श्लोक बोले ना, इतने में कृष्ण खुश हो, गोविंद देव खुश हो के उन्होंने मुस्कुरा दी। इतने में ब्रह्मा जी समझ गए कृष्ण का कमजोर कहां पर है, समझेगे कि नहीं, समझे क्या समझे, कृष्ण का कमजोर, कमजोर मतलब क्या, यहाँ कृष्ण कहते हैं मेरी सेवा से मेरी स्तुति से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर कोई मेरे भक्तों की सेवा करे मेरे भक्तों की पूजा करे ना स्तुति करे उससे मैं ज्यादा संतुष्ट होता हूँ, उसमें मैं ज्यादा संतुष्ट होता हूँ। इसलिए महाप्रभु बोले भैया दो काम कर लो तो मैं बेड़ा पार हो जाएगा। महाप्रभु क्या बोले, वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन दुई गरज सिद्धर पावे श्री कृष्ण चरण, एक तो वैष्णव का सेवा करो और दूसरा क्या करो हरि का नाम कीर्तन करो, अगर ये दो चीज कर लोगे ना बस जल्दी जल्दी भगवान तुमको मिल जाएंगे। क्यों, वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्तों का हृदय में ही भगवान का निवास, जब भक्त संतुष्ट होंगे तो भगवान अपने आप भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी उनके खूब भगवान की स्तुति किए, लेकिन ब्रह्मा जी ने देखा ठाकुर तो मुस्कुराए, ठीक बात है, लेकिन संपूर्ण मेरे ऊपर में ठाकुर जी खुश नहीं है। अभी ठाकुर जी ब्रह्मा जी सोच रहे हैं अभी क्या किया जाए, लेकिन इनका नाम ब्रह्मा, बोले ब्रह्मा मतलब क्या है, बोले ब्रह्मा एव सर्वविद भवे, ब्रह्मा का एक अर्थ होता है जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, फिर नवद्वीप में गए और जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वहीं पर उन्होंने भगवान की कठोर तपस्या की। जब तपस्या की भगवान की, इतने में ठाकुर जी वहां पर प्रकट हुए,
प्रकट होकर के अपना अंतर की बात उन्हें सुनाई। भगवान कृष्ण उनको अपना अंदर की बात सुनाई, बोले ब्रह्मा जी कोई चिंता मत करो, इसी नवद्वीप धाम में कलियुग आने पर मैं स्वयं श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आऊंगा और विश्व ब्रह्मांड को मैंने ये कृष्ण प्रेम रूपी पार में ये विश्व ब्रह्मांड को मैंने बहाऊंगा और विश्व ब्रह्मांड को मैं ये हरि नाम कीर्तन प्रचार करूंगा। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 अभिमान आ गया, इतना प्रभुता पाई काम बदना है, ये प्रभुता ऐसे के पोस्ट ऐसे के चीज है ना, अगर इसको बड़ा पोस्ट मिल जाए तो कहते काम बदना ही, मतलब ऐसे कौन व्यक्ति जगत में हो जिसका अंदर में ये अहंकार नहीं आ जाए। हाँ, केवल जो भगवान की भक्त होते ना तो इन्हीं के मन में कोई अभिमान अहंकार नहीं, ये तो सबका मन में ये अहंकार आ जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने देखा और मैं ब्रह्मा को लेकर नहीं आऊंगा, छोटे घर में मुसलमान घर में जन्म लूंगा और जन्म लेकर के छोटे कुल में जन्म लेकर के दीनहीन होकर के महाप्रभु की सेवा करूंगा और दीन में तीन तीन लाख हरिनाम करूंगा और भक्तों की मैं सेवा करूंगा। इसीलिए उन्होंने कलयुग में श्री ब्रह्मा हरिदास ठाकुर बन करके आए और जब आए अभी उनको तो उद्धार करना पड़ेगा, इसलिए भगवान कृष्ण को कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आए और ये ब्रह्मा हरिदास ठाकुर को ऊपर उन्होंने कृपा की है। ये एक एक कारण है क्यों कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आए। ठीक है, एक भजन सुन लो, इसको बाद में और दो चार गाना सुन लेंगे। हरे कृष्ण तो मन चल रे वृंदावन धाम राधे 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 राधे
नहीं है। जब उन्हें खूब बारिश बरसाया 7 दिन तक, और भगवान गिरिराज को उठाया, उठा करके जब भगवान इंद्र ने एक व्यक्ति को पूछा, भेजा एक दूत को, बोले देख करके आओ ब्रज का क्या स्थिति है। लेकिन उसने तो केवल ऊपर ऊपर देख करके, बोले महाराज ब्रज में तो एक चिट्ठी तक नहीं सब था, क्योंकि ऊपर ऊपर से देख रहे गए। लेकिन और एक को भेजा, भैया तू देखेगा, और वो नीचे आया, नीचे आकर देखा ब्रज में जो धूल उड़ रहा था, वहां एक चिट्ठी तक भी मर गई है। जब उसने वापस लिया, बोले बताओ ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं, बोले कि ब्रज का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। मतलब क्या, बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रखा था, उसने तो वरिष्ठ अंगुल को ऊपर में और नाक को ऊपर में उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण किया है। इंद्र ने देखा, ये देखो वरिष्ठ अंगुल को ऊपर, नाक को ऊपर में गिरिराज को उठाया। उसने ध्यान करके देखा, ये तो जिसने कृपा करे इंद्र पद को तो बलि ने छीन लिया था, लेकिन इन्होंने वामन अवतार में कृपा करके बलि महाराज से छल करके उन्होंने स्वर्ग राज्य को लाए, और उन्होंने कृपा करके मेरे को उन्होंने स्वर्ग राज्य दिया था। ये तो स्वयं भगवान गोविंद देव है। फिर तो इंद्र ने आकर के भगवान के चरण में नाक रगड़े, हैं नाक रगड़े ठाकुर जी के चरण में, फिर भगवान से माफी मांगी। फिर भगवान ने, फिर इंद्र ने क्या किया, इंद्र ने देखा ये कृष्ण कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौ हरि बन करके आएंगे, इसलिए उन्होंने सुरभि गाभि की अनुगत लेकर के एक स्थान है गोद्रोपदी नवद्वीप में। गए हो, कौन कौन गए, इसलिए श्री इंद्र ने ये गोद्रोपदीप में सुरभि गाभि की अनुगत में गोद्रोपदीप, गो मतलब होता है गाभि, द्रो मतलब होता है विशाल एक बटक वृक्ष था, उसी को नीचे उन्होंने कठोर तपस्या ब्रह्मा इंद्र ने किया। फिर भगवान उनको कृपा करके दर्शन दिया है, उनको आशीर्वाद दिया है, इसलिए उनको ऊपर में कृपा करने के लिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का आना पड़ा। तो यहाँ पर प्रश्न करते हैं, जिसने इतने अपराध कर लिया है, फिर उनको नवद्वीप धाम में कैसे पास हुआ। कल आप सुन रहे थे ना, वृंदावन धाम में प्रवेश करना बहुत कठिन है, जब तक गोपियों की कृपा नहीं हो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये गोपियों का अनुगत भी बड़ा कठिन है, लेकिन उसको प्राप्ति करने का सबसे सरल उपाय क्या है, बोले सरल उपाय है श्री नवद्वीप धाम में जाओ, परिक्रमा करो। महाप्रभु धाम का जो परिक्रमा करेगा उसको आसानी से ही ब्रज धाम में प्रवेश प्राप्त होगा। इसलिए ये नवद्वीप धाम तो इतने दुर्लभ धाम है, फिर इनको प्रवेश कैसे हो गया। इसलिए इसका कारण कहते हैं, इंद्र तो अपराध किया है, लेकिन कृष्ण का बहुत बड़ा सेवा किया। बोले क्या सेवा किया कृष्ण का, क्या उन्होंने सेवा किया है, इसलिए जो कृष्ण गिरिराज धारण किया हमारे से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इसको पीछे उन्होंने 4 कारण बताया। कितना कारण बताया, 4-5 कारण करके बताए कृष्ण ने ये क्यों ये गिरिराज उठाया। आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है, ध्यान लगा कर सुना, जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा। कृष्ण ने ये गिरिराज धारण क्यों किया है, और ये गिरिराज धारण का पीछे क्या रहस्य है, और इसका कारण क्या। तब यहाँ पहला कारण बताए, यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं, अगर पूजा करना है ना, इधर उधर देवा देवी की पूजा मत करो, करना तो श्री गोविंद देव की पूजा करो। किसको पूजा करो, केवल गोविंद देव, क्योंकि गिरिराज कौन है, स्वयं गोविंद देव ही गिरिराज बने। एक रूप में तो पूजा की, और दूसरे रूप में उन्होंने पूजा ग्रहण किया, गोविंद देव स्वयं ही ये गिरिराज गोवर्धन है। इसलिए बहुनिष्ठ भक्ति करने से वो सिद्धि नहीं होती, एकनिष्ठ भक्ति करनी चाहिए भगवान को। इसलिए उन्होंने किसकी पूजा बद्ध कर दिया, छोटे मोटे देवता की पूजा नहीं, इंद्र। इंद्र कौन है, समस्त देवता का, जो स्वर्ग में जितने देवता सबका राजा कौन है, ये इंद्र है, इनकी पूजा उन्होंने बंद कर दी। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं ना, हे अर्जुन,
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मुक्तयामि मां सुतहे अर्जुन, तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाना। लेकिन कभी कभी हम डर जाते हैं, क्या डर जाते हैं? बोले भैया अभी तक तो कितने सारे देवा देवी की पूजा की, अगर सबको छोड़ करके अगर गोविंद शरण में आ जाए, अगर ये देवता अगर बिगड़ जाए तो फिर क्या होगा? थोड़ी सी अगर अनहोनी हो जाए ना। बोले भैया उसी देवता को पूजा नहीं किया ना, इसलिए ऐसा हो गया। हमारी उधर क्या होता था, एक दो घंटा तक बैठा करके ना पूजा कराएंगे देवी की, गणेश जी की, हनुमान जी की, शंकर जी की, दो घंटा पकड़ करके पूजा, बैठो बैठ इसका पूजा। अगर कोई देवता को पूजा अगर छूट जाएगा ना, दिमाग में सारा दिन रहता था भैया अमुक देवता को अपने पूजा नहीं की, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। अगर थोड़ी सी कोई इधर उधर हो जाए ना, भैया हमने उसी देवता को पूजा नहीं किया, इसलिए ऐसे होता कि नहीं मन में होता ही ना। और भैया बताओ जगत में 33 करोड़ देवता है, कितने को पूजोगे, कितने को मनाओगे? एक को मनाओ तो दूसरा मुंह भुला करके बैठ जाता है, तीसरा को पूजा करो तो चौथा मुंह भुला कर बैठ जाता है। इसलिए भगवान कृष्ण अपना अंदर में विराट रूप दिखाया, अर्जुन देख मैं कौन हूँ, ये विश्व ब्रह्मांड, ये 33 करोड़ देवता विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में, देख ले अर्जुन। मत परतरम नान्यत् इति अस्ति धनंजय, हे अर्जुन मेरे को छोड़ कर जगत में कोई परतत्व नहीं, मैं समस्त कारणता। जब भगवान के अंदर में सब कुछ, जब हम भगवान की पूजा करते हैं सबका पूजा अपने आप हो जाता है। अगर बिगड़ गए तो फिर क्या होगा, देवियां पर क्या सीखा गया? जब ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा को छोड़ करके गिरिराज की पूजा की, अब जो इंद्र के लिए लड्डू कचौड़ी मालपुआ बनाए थे वो सबके सब किसको पूजा की? गिरिराज। इंद्र बिगड़ गया था कि नहीं? बिगड़ गया था ना। लेकिन हमारे गोविंद देव ने क्या किया? बोले कोई चिंता मत करो, हमने गिरिराज की पूजा की ना, कि गिरिराज अपना चरण में स्थान देंगे। कृष्ण ने गिरिराज उठा दिया और समस्त ब्रजवासियों को उन्होंने गिरिराज को नीचे आश्रय दिया। लास्ट में क्या हुआ, इंद्र को आकर के इनको माफी मांगना पड़ा। इंद्र जो देवता का राजा, कृष्ण शिक्षा देते हैं अगर कोई व्यक्ति सब छोड़ कर तो मेरे शरण में आ जाए, अगर मेरे पूजा करे ना, अगर कोई कुछ गड़बड़ करेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको अपना चरण में स्थान दूंगा। इसलिए इसका पहला कारण है, भगवान शिक्षा देते हैं बहुत देवा देवी को पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करना तो श्री गोविंद देव को। इसका दूसरा कारण है, कहिए इंद्र कौन है? ये जो देवता है ना, ये सत्व रज तमो गुण के सब होते हैं, कोई रजगुण के कोई तमो गुण के कोई सत्व गुण के होते हैं। लेकिन ये ब्रजवासी कौन, ये निर्गुण है, ये तीन गुण से अतीत ये ब्रजवासी, ये ब्रजवासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं कहा कि इंद्र साधारण कोई सत्व गुण के राजा है, लेकिन ये देखो ये ब्रजवासी कहाँ निर्गुण है, जिनके चरण की पूजा में स्वयं करता हूँ। नंद बाबा बोलते हैं बोले लाला कन्हैया मेरे खड़ाव ला दो, कृष्ण ठुमुक 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 कर फिर जाते हैं, खड़ाव का हाथों में नहीं, खड़ाव को कृष्ण सर पर रख कर ले जाते हैं नाचते नाचते। नंद बाबा कहते हैं मेरे लाला कितने अच्छे हो, देखो हमने खड़ाव लेने के लिए बताया, हाथों में नहीं मेरे लाला सर पर रख करके लाया, मैं जो बूढ़ा हो जाऊंगा ना लाला बड़ा सेवा करेगा। पिता तो नहीं चाहते ना बुढ़ापा में हमारे हाथ की लपटी बन बने बेटा हमें सेवा करे, बड़े नंद बाबा खुश हो जाते हैं। जब नंद बाबा कभी पान खाते हैं इतने में कृष्ण क्या करते हैं, मुंह में अंगुल डाल करके झूठा का पान को कृष्ण खाते हैं, कृष्ण खाते हैं उनका झूठा पान को है। इसलिए कहते जहां मैं जिनके आदेश को पालन करता हूँ, विश्व ब्रह्मांड का मालिक होकर के जिनकी चरण की सेवा करता हूँ, नंद बाबा कभी स्वयं किए तो कृष्ण जी की चरण की सेवा करते हैं, नागुरु जी है पिता माता की सेवा करते हैं। कहते कहा विश्व ब्रह्मांड की जो मैं मालिक हूँ, मैं स्वयं जिन ब्रजवासियों को सेवा करता हूँ, लेकिन ये इंद्र क्या सोच रहा है, मैं स्वर्ग का राजा हूँ और ये जितने ब्रजवासी सब मेरे प्रजा है, अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा तो क्या होगा,
ये सब बात घास कहाँ से होगा, गैया घास नहीं खाएंगे तो दूध कहाँ से देंगे, और दूध ही इनका जीवन है, दूध से ही बढ़ता दही मिठाई सा इनका यही जीवन है, अगर मैं बारिश नहीं करूंगा तो भूखे मर जाएंगे, ये इधर सोच रहा था। इतने में कृष्ण ने बोले तुम तुम्हारी पूजा से और तुम बारिश देने पर तभी जाकर बारिश होता है, अभी तेरे को मैं मजा चकाता हूँ। इसलिए भगवान ने क्या किया, इंद्र पूजा बंद करवा दिया उन्होंने, पूजा करा के बंद करा के उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवा दी, पूजा करना तो श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। इसलिए इंद्र की अभिमान को दूर करने के लिए, अहंकार को दूर करने के लिए कृष्ण ने क्या की, इंद्र पूजा को बंद करवाया और श्री गिरिराज की पूजा को करवाया। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इसलिए कहते ये भी कारण है, और जो सबसे जो श्रेष्ठ कारण है कृष्ण गिरिराज को धारण करवाया। इसलिए इंद्र तो अपराध किया ही है लेकिन बहुत बड़ा काम भी उसने किया है। बोले क्या काम किया, कृष्ण की उन्होंने क्या सेवा की। बोला अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं रासलीला करूंगा, लेकिन रास तो कृष्ण अकेले कर ही नहीं सकते, बगैर ब्रजवासियों के गोपियों के बगैर इनकी जरूरत है ना, है गोपियां। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, एक उदाहरण देकर समझाया, जैसे कोई एक हीरो जब किसी हीरोइन को आकर्षण करना चाहते हैं अपना सामने अपना तरफ, तो क्या करता है कुछ गुंडे लोगों के इकट्ठे कर देगा, इकट्ठे करके उसको सामने खूब मारपीट करेगा, और मारपीट करके ना वो हीरोइन को सामने उसने सबको परास्त कर देगा, और वो हीरोइन देखेगी बोले बावरी पहलवान है, ये तो बड़ा पराक्रम है, वो अपने आप उसको ऊपर में आकर्षित हो जाती है। कहते भैया ब्रज का हीरो कौन, बोले गोविंद देवी हीरो, यही अकेले हीरो है, वो सब हीरो है, केवल हीरो ब्रज में गोविंद देव है। कहते हीरोइन कौन है, राधा रानी, और ब्रज गोपियां हीरोइन है। अभी कृष्ण इनको लेकर के कृष्ण रासलीला करेंगे, इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं हमने ऐसे क्या काम करे जो इनके मन प्राण चित्त को मैं चोरी कर दूं। इसलिए भगवान कृष्ण दो उन्होंने लीला की है, एक लीला तो उन्होंने कालियों को सर्प पर खेलते किया, कल सुन रहे थे ना, बोले बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे कोई गिलासिया को ऊपर नाचते हैं, कोई रस्सी को ऊपर में, कोई सर पर कलसी रख करके, लेकिन कभी देखे हो सांप के सर को ऊपर कहीं नाचे, कोई देखे हो कभी। इसलिए कृष्ण जब कालियों के सर को ऊपर कृष्ण नृत्य कर रहे थे ना, वो नृत्य को कल सुन रहे थे ना, स्वयं शंकर जी जितने देवता भी स्वर्ग से उतर करके आ गए और सबके सब बाजा बजा रहे थे, और भगवान क्या कर रहे थे, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी पम 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 पद पद गत पम 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 धनगो पर भींग 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 मिनत करत नाग बधु आली, और तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। जब कृष्ण के नृत्य को देखा है ना, गोपियां देखा बावारी, हमसे बड़े बड़े कलाकार देखे हैं लेकिन सांप का सर को ऊपर नाचते हुए हमने कभी देखा नहीं। देख करके ना एकदम कृष्ण को चरण में तन मन सब कुछ नौचावर कर दिया, और कृष्ण दूसरे क्या लिया किला की, कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया। कितना साल के थे, 7 साल। गिरिराज कितना बड़ी है, 7 क्रोश की। कितना दिन तक धारण किया है, 7 दिन तक। कैसे धारण किया, हम तो जो कहते ना अरे मेरे लिए कौन सा बड़ी वाली बात, हम तो उल्टा हाथ से कर सकते काम को, बोले उल्टा हाथ नहीं सबसे छोटे अंगुल पर, बोले छोटे अंगुल को पर नहीं, बोले श्री नाथ को पर में भगवान गिरिराज उठाया, नाथ को पर में ठाकुर जी गिरिराज उठा दिया है। इसलिए जब कृष्ण गिरिराज उठाए थे, और रसिक लोग कहते हैं तो भैया कछु महात्म की बल बढ़ो, कछु गोपन ने करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से गिरिवर लिए उठाए। इसलिए कृष्ण जब गिरिराज उठाया था, कृष्ण जब गिरिराज उठाए थे, जो राधा रानी ना तिरछे नजर से देख रहे थे, गिरिराज अगर तुम नीचे उतरोगे ना तेरे को जला कर तुम्हें राख बना दू। राधा रानी ऐसे टेढ़ी नजर से देख रही थी, और राधा रानी के डर से ना कृष्ण ने की गिरिराज ऊपर में अपने आप गिरिराज टिका हुआ था, राधा रानी की कृपा दृष्टि से है।
और जब राधा रानी सामने आ गई ना, अभी राधा रानी को देख करके कृष्ण काम हो गए, कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाए। इसलिए हमारे श्री प्रभुदानंद सरस्वती कहते हैं, जब कृष्ण राधा रानी को दर्शन करते ना, गोविंद तो डगमगा जाते हैं, मदन मोहन जी डगमगा जाते हैं, राधा रानी को देख करके कहते उनकी बंसुरी गिर जाती है, मगर मुकुट गिर जाती है, उनकी कभी कपड़ा भी गिर जाते, कृष्ण कभी खुद भी गिर जाते हैं, मदन मोहन कभी खुद भी गिर जाते हैं राधा जी को दर्शन करते हुए। हाँ, इसलिए देखो कृष्ण जब गिरिराज होता है ना, कितना पूरा सीधा करके, लेकिन यहाँ पर देखो मदन मोहन को ध्यान से देखो, तीन जगह से टेढ़े होकर के ना, तीन जगह से टेढ़े ना, क्यों तीन जगह टेढ़े हैं, बोले राधा जी को पास में जब कृष्ण होते हैं ना, ऐसे राधा रानी का प्रेम है ना, कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाते, इसलिए अपने आप कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमती राधा रानी की, इसलिए कहते श्याम सुंदर है। इसलिए कृष्ण ने जब अपना कनिष्ठ अंगुल पर गिरिराज होकर दंड धारण किया, और वहां पर ब्रज गोपियां थी, और गोपियों ने जो देखा इतना बड़ा गिरिराज, परिक्रमा लगाए कि नहीं गिरिराज जी, बहुत बोल लगाए हो, अब देखना परिक्रमा लगाने के साथ 8 घंटा लग जाती है, अभी तो गिरिराज धीरे धीरे नीचे आ गई, पहले तो विशाल रूप में थी, लेकिन फुलस्त ऋषि के अभिशाप से गिरिराज धीरे 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 नीचे आ गई। इसलिए जब कृष्ण ने गिरिराज उठाया, जिसको देख करके ना ब्रज की जितने गोपियां राधा रानी तन मन सब कुछ भी गोविंद चरण में दे दिया, गोविंद चरण में सब कुछ दे दिया, उनके पराक्रमों को देख के बाद ठाकुर का आशीर्वाद हो गया। ये दो लीला करके उन्होंने सबको मन का आकर्षण किया, और करके ये जो रास लीला है ना, कितना जय जय रास लीला सर्व, जितने सारे लीलाओं में भगवान की जो सर्वश्रेष्ठ लीला है वो रास लीला ठाकुर जी, सर्वोत्तम लीला रास लीला, जहाँ पर शंकर स्वयं गोपी बन करके ठाकुर जी की रास दर्शन करने के लिए स्वयं भोले बाबा भी आते, सर्वश्रेष्ठ लीला है ठाकुर जी की। इसलिए सर्वश्रेष्ठ लीला में कृष्ण की समस्त इच्छा ये रास लीला में पूरी होती है। यद्यपि उन्होंने अपराध इंद्र ने की तो है, लेकिन करने पर उन्होंने जो गोपियों का मन प्राण चित्त जो चोरी किया है, ये गिरिराज धारण करते हुए, और जिन ब्रज गोपियों को साथ में कृष्ण का मिलना बड़ा कठिन था, बड़े कठिन से कभी छूप छाप कर कृष्ण मिलते थे, लेकिन कृष्ण जब गिरिराज उठाया, क्या हुआ, सबके सब सामने आ गए, नहीं जानते, बारिश हो रही ना बाहर है, बारिश तो बाहर हो रही है, अभी तो उनको पास में आना ही पड़ेगा, और स्वतंत्र रूप में कृष्ण ये ब्रजवासी ब्रज गोपियों के साथ में कृष्ण ने अनायास मिल लिया, अनायास मिल लिया। इसलिए कोई कोई संत कहते हैं ब्रह्मा जी को प्रति ब्रह्मा 40 श्लोक से स्तुति किए, लेकिन इंद्र 10 श्लोक ना 20 श्लोक से कृष्ण खुश कर दिए, क्यों, बोले ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन्होंने ब्रजवासियों को कृष्ण से अलग कर दिया, सखाओं को उनके बछड़े को उन्होंने छुपाया लेकर के अलग किया, लेकिन इंद्र ने क्या किया, कृष्ण को साथ में ब्रजवासियों को मिला दिया, ब्रजवासियों को उन्होंने मिला दिया, इसलिए ये बड़ी सेवा की है। इसलिए ठाकुर जी की कृपा मिली तो इनको स्थान कहाँ मिला, श्री नवद्वीप धाम में मिला, श्री नवद्वीप धाम में सुरभि गाधी की अनुगत्य में गोद्रुम दीप ने वहीं पर बैठ करके इंद्र ने भगवान की आराधना की। बल्कि ये एक कारण है, सचिनंदन गौर हरि उनको दर्शन की कृपा की है, उनको ऊपर में आशीर्वाद दिया, बल्कि ये भी एक कारण है। कितना कारण हो गया है, तीन का चार कारण हो गया। इसलिए कहते और एक कारण बताए, कहते जो जगाई माधाई है, ये जगाई माधाई के ऊपर पर भी ठाकुर जी कृपा की, ये कथा हम आगे सुनेंगे, कैसे कैसे की जगाई माधाई, ये पूर्व जन्म में कौन थे, जय विजय, अरे बोलो जोर से कौन बोलेगा, ये जय विजय थे हैं, ये जय विजय थे, ये जय विजय ने कभी हैं
कभी जय विजय कभी चतुसर प्रभु को दर्शन करने के लिए आए, अब ये जय विजय ने इनके रास्ता को रोक लिया। इतने में चतुसर बिगड़ करके अभिशाप दे दिया, बोले हमारी रास्ता को रोक रहे हो, हम अभिशाप देते ये बैकुंठ गए जहाँ पर कहीं कुंठा धरता नहीं, लेकिन हमारे रास्ता को तुमने मार्ग रोका, अभिशाप देते हैं, तुम लोग राक्षस बनकर जन्म लोगे। अब रोने लगे। इतने में भगवान झगड़ा देख करके बाहर आए, बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे, बोले देखो अगर तुम लोग मेरे भक्त बनकर के जाओगे ना, सात जन्मों के बाद में आओगे, अगर मेरे शत्रु बनकर के जाओगे तीन जन्मों के बाद में आओगे, बताओ क्या चाहते हो। बोले प्रभु हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी आपके पास में आ जाए, ठीक है मेरे शत्रु बन करके जाओ। इसलिए पहले जन्म में क्या बन करके आए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु है, और इनको किसने वध किया था, कौन बोले हाथ में किसने वध किया था, ब्रह्मदेव और श्री नरसिंह भगवान। देखो ये कृष्ण की क्या महत्व और महाप्रभु का कितना महत्व, ये चीज को देखो। इनको वध किया कौन, नरसिंह भगवान और बलराम, वध किया लेकिन उनको प्राप्ति भगवत प्राप्ति नहीं हुई और वैकुंठ में वापस नहीं आ पाए। फिर दूसरे जीवन में क्या बन करके आए, रावण कुंभकर्ण, इनको किसने मारे, राम ने मारे, भगवान राम को हाथ तो मारे लेकिन इनको तभी उद्धार नहीं हुआ। तीसरे में क्या बन करके आए, जोर से बोलो, शिशुपाल और दत्त पकड़ो, इनको किसने मारे, गोविंद देव ने मारे। इसलिए जब इनको हाथ में मरे तभी इनकी सदगति हुई, तभी ये अपना वैकुंठ धाम में गति किया, वैकुंठ धाम में गए। यह शिक्षा देते हैं कि जो कृष्ण जो गोविंद देव है ना, ये कौन है गोविंद देव, ये परिपूर्ण है। जब तक इनके हाथ में जिसकी मृत्यु नहीं होती है ना, उनको हाथ से संभाले लेकिन मरने पर भी उनको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई, उनको शरीर बदलते रहा, लेकिन जब गोविंद देव के हाथ में मरे तभी इनको भगवत धाम की अपना वैकुंठ प्राप्ति हुई। लेकिन गोविंद देव का हाथ से मरे इनको तो वैकुंठ प्राप्ति हुई, लेकिन इनसे भी ज्यादा जो दयालु है ना, श्री महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। ये नित्यानंद प्रभु महाप्रभु अवतार के बिगड़े, ये उदारता है, कृष्ण से भी ज्यादा दयालु ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु है। इसलिए ये आए तो, लेकिन फिर जब भगवान महाप्रभु रूप में आए फिर वही जय विजय क्या बन करके आ गए, जगाई आरुधाधारी। ये जब जगाई माधाई बन करके आए, जब महाप्रभु उनको कृष्ण भी मारे राम भी मारे और हमारे शिशु भगवान बलराम भी मारे सब के सब, लेकिन महाप्रभु इसको मारे नहीं। महाप्रभु ने क्या किया, इनको हृदय में प्रेम दिया है। इन्होंने जीवन मरने का बाद कहीं गति हुई, लेकिन महाप्रभु इतने दयालु इसी शरीर में इनका हृदय को परिवर्तन करके उनके हृदय में गौरव प्रेम को दे दिया, इनको महाप्रभु का प्रेम दिया। इसलिए कहते जितने अवतारों में, इसलिए कहते अवतार सार गोरा अवतार केनना भजी तारे, जितने अवतार में जो सर्वश्रेष्ठ अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु गोरा अवतार है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की। इसलिए हमारे श्री भक्तिविनोद ठाकुर के सुंदर भजन गाते हैं, गा सकते हो, दयान्विता चैतन्य बोले नाचे हमारा मन गाओ, सुनता चलो हरि बोल, बोलो बोलो दयाली ताई चैतन्ना बोले नाचे हमार मन, बोलो अली ताई चैतन्ना बोले नाचे हमार मन, दयाली ताई चैतन्ना बोले नाचे हमार मन, दयाली ताई चैतन्ना बोले नाचे हमार मन, 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 न
अगर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लो, तुम्हारी सारे पाप, तुम्हारी सारे पाप से परिपूर्ण तुम हो, सारे अपराध तुम्हारी। लेकिन अगर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लोगे ना, तब क्या होगा, तब सारे अपराध दूर कर देंगे, सारे अपराध दूर हो जाएगा तुम्हारी। और इन्हीं का नाम लेते ही बोले नाम लेते प्रेम बहे अश्रु बहे बहे अश्रु धार। इसलिए कहते हैं गौरांग बोली ते आवे पुलक सही हरि हरि बोले महाप्रभु नित्यानंद प्रभु नाम से तुम्हारे हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। जितने बड़े तुम पाप क्यों नहीं किया हो, जितने बड़े एक बार जे आगे पढ़े करे निस्तार, अगर कोई एक बार आकर आकर के नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण में एक बार आकर गिर जाए, प्रभु अपराध हो गया माफ कर दो, सारे अपराध से माफ कर दो, सारे अपराध से माफ कर देंगे। इसलिए कहते हैं कृष्णा नामे अनुराग तबे, कृष्णा नामे महाप्रभु का प्रेम रस में गोता लगाए ना, अपने आप राधा कृष्ण भक्ति में अपने आप तुमको मिल जाएगा। इसलिए कहते भैया मेरा जो मन है ना महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम को लेकर मेरा मन नाच उठे, बड़े दयालु श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय। इन्होंने जगाई माधा जैसे इतने बड़े पापी को भी महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को भी उनको उद्धार उन्होंने कर दिया। इसीलिए महाप्रभु रूप में कृष्ण को जगत में आना पड़ा, क्योंकि ये भी एक कारण है। और क्या कारण है, बोले राधा रानी की प्रेम से उर्णी होना चाहिए, क्योंकि राधा रानी इतने भक्ति कृष्ण को थी, इतने सेवा की राधा रानी कृष्ण को, इतने सेवा की। अभी कृष्ण सोच रहे हैं अभी राधा जी के प्रेम से मेरे को मुक्ति उर्णी कैसे बनेगा, उर्णी कैसे बनेगा,
इसलिए राधा रानी कभी कृष्ण प्रेम में पछाड़ खा करके कभी राधा रानी गिरती है प्रेम में, कभी गिरती है। इसलिए कहते इनका रीणी से मैं उरणी कैसे बनूंगा, बोले मैं स्वयं अगर कलयुग में सच्चिदानंद गौरव हरि बन करके जाऊं और जा करके उसी राधा भाव में विभावित हो करके कैसे से राधा रानी कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती थी, कृष्ण नाम को लेकर दिन रात कैसे रोती थी। अगर मैं स्वयं उसी भाव को लेकर के जाऊं, अगर दिन रात कृष्ण बोल कर अगर मैं रोऊंगा फिर तो उनका ऋण से मैं दूर ही बन सकता हूँ। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं राधा जी के भाव अंगता से लेकर के आए और दिन रात हाँ कृष्ण करते करते दिन रात कृष्ण प्रेम में रोया करते थे। यदि ये समस्त कारण को लेकर के श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग में श्री महाप्रभु का रूप में कृष्ण जगत में आए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरी की। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे महाप्रभु जन्म हुए, इसके आगे की कथा सुनते हैं। कहते महाप्रभु जन्म कहाँ पर हुए, बोले श्री नवद्वीप धाम में गंगा किनारा में। कौन कौन गए नवद्वीप धाम, आप बताओ कौन कौन गए हैं, अरे कौन कौन जाना चाहते वहां पर, अगली बार सबके सब चलना है। क्योंकि ये बात शंकर जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, शंकर जी पार्वती को कहते, बोले पार्वती ये विश्व ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है, जितने तीर्थ है विश्व ब्रह्मांड में, आप बताओ विश्व ब्रह्मांड में कितना तीर्थ बताए आपको, बोलो। बोले 6 अरब। 1 अरब कितना होता है, 100 अरब में 1 अरब होता है। 6 अरब मतलब कितना हो गया, 600 करोड़। ये शंकर भाई स्वयं पार्वती को कहते, बोले पार्वती 600 करोड़ तीर्थ विश्व ब्रह्मांड में, अगर ये सारे तीर्थ हो कोई करोड़ों करोड़ बार सारे तीर्थ में जाए उनको जो आपको पुण्य भक्ति मिलेगी। कहते अगर कोई श्री नवद्वीप धाम में एक बार केवल श्री नवद्वीप धाम में जाए, शंकर जी कहते पार्वती उनको उससे करोड़ों करोड़ों ज्यादा पुण्य मिलेगी जब श्री नवद्वीप धाम में कोई परिवार है। ये शंकर जी स्वयं कहते हैं, बोले पार्वती ये बात लोगों को विश्वास नहीं होगा, शंकर स्वयं कहते हैं, लेकिन विश्वास नहीं होगा ये बात, लेकिन शंकर जी कहते पार्वती मेरे हृदय की बात है, मैं स्वयं जब मेरे अपराध मैंने भी कृष्ण चरण में किया है, शंकर भी कृष्ण चरण में अपराध किया है। बोले तब क्या जानते हो, बता सकते कौन बोलेगा, तब उन्होंने अपराध किया है। अब भागवत पढ़ करके देखो, एक राजा था जिसका नाम था काशी राजा, ये काशी राजा ने शंकर जी को पूजा किया, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले बताओ क्या चाहिए, बोले ये द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से मैं युद्ध करना चाहता हूँ। अभी शंकर जी वो समझ रहा था बड़ा कठिन, भोले बाबा जब से शंकर जी खुश हो जाते, बोले कोई चिंता नहीं चलो मैं भी तेरे साथ देता हूँ। शंकर जी भी साथ दे दिया, किसकी, ये काशी राजा को, बोले चलो दोनों मिलकर कृष्ण जी युद्ध करेंगे। अभी स्वयं शंकर जी कृष्ण जी युद्ध करने के लिए आगे काशी राजा को साथ, जब आए इतने में कृष्ण ने उठाया अपना सुदर्शन चक्र, चक्र को उठा कर फेंका तो पहले तो काशी राजा का गला को काट दिया, काट करके फिर काशी राज्य में गए, पूरा जला करके काशी को राख बना दिया। फिर उन्होंने शंकर जी उनका पक्ष दिया था, फिर सुदर्शन चक्र शंकर जी को बिछा दिया, शंकर जी मारे मारे भटके, शंकर जी को कहीं भी सुदर्शन चक्र छोड़ नहीं रहा है, शंकर जी सारा दुनिया शंकर जी घूम गए लेकिन कहीं शंकर जी को स्थान नहीं मिला। फिर शंकर जी ने देखा कलयुग में यही कृष्ण ही कलयुग में श्री नवद्वीप धाम में श्री सच्चिदानंद गौरव हरि बन करके आएंगे, और जब महाप्रभु का रूप में आएंगे ये बड़े दयालु बनेंगे, बड़े कृपालु बनेंगे। इसलिए उन्होंने उनको धाम में आश्रय दिया, बताओ तो कहाँ पर दिया, हरिहर क्षेत्र गए कि नहीं, हरिहर क्षेत्र गए कि नहीं, वहां पर शंकर हरिहर एक स्वरूप में देखा कि नहीं, वो जो स्थान है ना काशी की अभिन्न स्थान, वो काशी की अभिन्न स्थान है, अगर वो स्थान कोई दर्शन करे काशी दर्शन से जो फल मिलेगा उससे ज्यादा पुण्य वो हरिहर क्षेत्र में जाने पर मिलेगा। जो व्यक्ति नवद्वीप धाम परिक्रमा करने गए होंगे आप लोग देखे होंगे वो स्थान को, वो हरिहर क्षेत्र है। इसलिए शंकर भी स्वयं जाकर के वहां पर
आश्रय लिए, बोले जब भगवान कृष्ण ही ये नव दिन साथ में गौरव निवर करके आएंगे फिर मैं उनको साथ में लीला करूंगा। इसलिए शंकर जी महाप्रभु लीला में बताओ क्या बने थे, अद्वैत आचार्य हैं। ये अद्वैत आचार्य शंकर जी जब रासलीला दर्शन करने के लिए गोपी बन करके आए, लेकिन ये गोपियों को पता चले गया कृष्ण बोले आज रास में कहीं आनंद नहीं आ रहा, लगता है कोई अनधिकारी आए। गोपियों ने ढूंढा कौन अनधिकारी, ढूंढते ढूंढते देखा एक एक कुंजियों के अंदर में कोई नई गोपी बैठी। बोले भैया हम तो सब गोपी को जानते हैं लेकिन ये गोपी तो कोई नई भी नहीं रही है, तो तेरे खसम का नाम क्या है? लेकिन वो तो गोप, वो तो गोपी नहीं है, तो गोप शंकर जी चुप। बोले तेरे कौन सा गांव में जन्म है? लेकिन वो तो ब्रज में कोई जन्म हुए नहीं। बोले तेरे सास का नाम क्या है, तेरे ससुर का नाम? शंकर जी चुप। बोले समझ गए यही बदमाशी कहां से आ गई। शंकर जी को चोटी पकड़ कर निकालो वहां से, निकाल कर कुलचे मारना शुरू कर दिए। इतने में शंकर जी रोए और उन्होंने पौर्णमासी को याद किया कृष्ण को। इतने में पौर्णमासी कृष्ण आए, बोले भोले ये क्या है, ये क्या तुम ये गोपी मर करके आएगा, ये क्या है? बोले प्रभु जी आपने बंसरी बजाई, ये बंसी ध्वनि कैलाश में भी पहुंचा, मेरे मन में भी इच्छा हुई आपकी रास दर्शन करने के लिए, इसलिए आपको मैं रास दर्शन के लिए आया। देखो ये रास लीला की कितने महत्व की चीज को समझो, स्वयं जो देवदेव महादेव जो योगी योगी महायोगी इन्होंने गोपी मूर्ति में धारण किया, ब्रह्म कुंड में स्नान किया है और उन्होंने गोपी मूर्ति में धारण किया और उन्होंने दूर में ईशान कुंड में बैठी करके कोशिश किया दर्शन करने के लिए। दर्शन स्वयं शंकर जी, रास के प्रवेश की बात छोड़ दो, रास तक दर्शन नहीं कर पाए, इतने दुर्लभ प्रभु की रास है। ये गोपियां कोई लड़की नहीं थी, ये सब के सब भेदों के मंत्र हैं, दंडकारण्य का ऋषि मुनि देवी स्वर्ग की देवियों ने इन लोगों ने कठोर साधन करके जब गोपी बन करके आए तभी इन लोगों ने कहीं रास में प्रवेश पाए कठोर तपस्या करके। इसलिए इनका नाम गोपी मतलब क्या, बोले गो मतलब इंद्रिय, पी मतलब पिपति, जो नित्य निरंतर कृष्ण प्रेम रस को जो इंद्रियों को तरह जो पान करती है ये सब के सब ये गोपियां हैं। ये गोपियों का कोई लड़की नहीं, इसलिए शंकर भी प्रवेश नहीं कर पाए। इतने में कृष्ण ने कहा देखो भोले तुमने तो गोपी को धारण कर लिया लेकिन ये गोपियों की भाव तुम्हारी हृदय में, इसलिए इसी अवतार में तो तुम प्रवेश कर ही नहीं सकते हो, तुम ईशान कुंड में चौकीदारी का काम करो। लेकिन जब मैं कलयुग में जब श्री सच्चिदानंद गौर हरि बन करके श्री नवद्वीप धाम में आऊंगा उसी समय में तू अद्वैत आचार्य बन करके आना। फिर तो कलयुग में जो रास है ना ये संकीर्त नहीं, कलयुग में रास है। तब तो दोनों अद्वैत आचार्य कभी श्रीवास अंगन में मायापुर जो श्रीवास अंगन में फिर दोनों गलवेनिया दे करके संकीर्तन रूपी रास में बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, फिर तो दोनों हम हरिनाम करें। इसलिए कलयुग में जो हरिनाम ना एक रास है, ये जो हरि का नाम जप कर रहे ना रास मतलब क्या है, बोले रसानाम समूह इति रास, रास उसे कहते हैं जो रस का समूह ही ये रास है। इसलिए कलयुग में ये संकीर्तन है, कलयुग में यही रास लीला। इसलिए जब हम संकीर्तन करते हैं ना बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है ना, इसलिए यही रसिक रास है। इसलिए एक मिनट की कीर्तन करते हैं, ठीक है? आप लोग मेरे पीछे पीछे सबके सब ताली बजा तो दिए संकीर्तन रास में, और हमारे भक्त लोग नृत्य करते हैं ना गोपियां तो नाची ना रास मतलब क्या, जहाँ नृत्य कीर्तन गाते हैं। बोलो हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Thank you.
उनने पास में जन्म नहीं दिया। बोले क्यों, खुद तो इतना पवित्र स्थान पर जन्म हुए, फिर उनको भक्तों को क्यों इतना दूर में जन्म दिया। बोले कारण है, बोले जहाँ जहाँ पर ये पांडव लोग नहीं गए, पांडव का वनवास हो गया था ना, भक्तों का भी वनवास हो सकता है। साधारण थोड़ी सी कोई भक्ति करो, रूप गोस्वामी कहते हैं केवल साधन अवस्था में दो लक्षण है। बोले क्या है, बोले क्लेशग्नि सुभदा, मतलब है थोड़ी सी केवल सही सही भगवान की साधन करो, क्लेशग्नि मतलब होता है जितने दुख कष्ट तुम्हारी खत्म हो जाएगी, सुभदा मतलब होता है सारे तुम्हारी मंगल मंगल होगा। और जहाँ पंच पांडव कृष्ण के इतने प्यारे भक्त है, जिनकी घर में दिन रात कृष्ण बैठ करके जिनको साथ में खेलते कूदते थे, लीला करते थे, इनको कैसे वनवास हो सकता। बोले नहीं, इनका जो वनवास ना कृष्ण इच्छा से। बोले क्यों, बोले ये भक्त लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ इनके चरण पड़ता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है, वो स्थान पवित्र वो भूमि हो जाती है। केवल दुनिया को पवित्र करने के लिए पांडवों की वनवास हुई थी, लेकिन ये पांडव लोग तो कुछ कुछ स्थान पर गए, लेकिन कुछ कुछ स्थान पर वो नहीं गए थे। अब इनका कैसे कल्याण होगा, इनके कैसे कल्याण होगा। इसलिए आप लोग सुने होंगे श्रवण कुमार की कथा। ये श्रवण कुमार जब पिता माता को अब सुने होंगे ना, कंधे पर रख करके उन्होंने सारा दुनिया में उन्होंने पिता माता को उन्होंने क्या करवाए, उन्होंने उनको परिक्रमा करवाई, तीर्थ करवाए। लेकिन जब उन्होंने एक स्थान पर गया ना, उसको बुद्धि खराब हो गया और पिता माता को गाली गलौज करने लग गया, ये बुढ़ा बुढ़ी डोकरा डोकरी, इनकी सेवा करते करते जीवन बर्बाद चला गया, कहाँ जवानी, ये जवानी में शादी विवाह तो किया नहीं, संसार का कोई भोग सुख नहीं किया, ये डोकरा डोकर की सेवा करते करते जीवन चला गया। बोले जाओ यहीं से, और तुमको हम सेवा नहीं करेंगे। लेकिन श्रवण कुमार की पिता माता समझ गए कि जो स्थान है लगता है कोई गंदा स्थान आ गया, स्थान का बड़ा प्रभाव है, बड़ी प्रभाव स्थान की है। अब वृंदावन जाओ, देखोगे वृंदावन में क्या है, वृंदावन में प्रवेश करते ही ना राधा रानी का छाप लगवा देते हैं, सर पर पगड़ी बांध करके सबके सब श्री राधा रानी की, सबके सब राधा रानी, और राधा रानी राधा राधे राधे करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब छठगिरा को पार कर जाते हैं ना, फिर दिल्ली की तरफ में आते हैं, फिर बीड़ी सिगरेट हाथ में ले जाते हैं, फिर शराब की बोतल आ जाती है, हैं, फिर तो राधे राधे नहीं आधे आधे। इसलिए स्थान की ना बड़ा प्रभाव स्थान की, उसको पिता माता समझ गए लगता है कहीं अपवित्र स्थान पर आ गए, इसलिए मेरे बच्चे का बुद्धि खराब हो गया। बोले देख बेटा एक काम करो। बोले किया, बोले सामने किया है, बोले एक नदी है, बोले तुम किसी तरह से हमें ये नदी को केवल पार करा दो, फिर हमें छोड़ करके चला देना। बोले देखो नदी पार कराने के बाद फिर तुमको कंधे पर नहीं उठा सकता। बोले कोई बात नहीं, नदी को पार करा दो, समझ गए कोई अपवित्र स्थान। लेकिन जब उन्होंने केवल नदी को पार करवाया ना, नदी पार करते ही उसका बुद्धि अपने आप सही हो गया, रोने लग गए, पिता माता के चरण में गिर पड़े। मेरे बुद्धि कैसे खराब हो गया था, इतने जो पिता माता की सेवा करने वाले। पिता माता बोले हम समझ गया था कोई अपवित्र स्थान पर आ गए, इसलिए पांडवों ने जहाँ जहाँ गए हैं वो स्थान पवित्र हो गया उनकी चरण धूल से। लेकिन जहाँ जहाँ पर पांडव लोग नहीं गए वो स्थान कैसे कल्याण होगा। महाप्रभु ने क्या किया, अपना अपना भक्तों को वहाँ वहाँ जन्म दे दिया। और जहाँ पर एक संत जन्म ग्रहण करते हैं कितना लाभ है, एक श्लोक को याद कर देना, कहते पदभ्याम भूमेर दिशो दीर्घिभ्याम। ये श्लोक में कहते हैं जब कोई भगवान की कोई प्यारे भक्त जब हाथ उठा करके कृष्ण प्रेम में नृत्य करता है, हैं, कृष्ण प्रेम में नृत्य करता है, बल्कि जहाँ उनकी चरण का स्पर्श होता है वो चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी धन्य हो जाती है। जब ऐसे हाथ उठा करके कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवता लोगों का कल्याण होता है, और उनकी जो दृष्टि जितने दूर तक उनकी प्रेममयी दृष्टि जाती है उतना दूर तक जितने दुख कष्ट पाप दुर्भिक्ष सबके सब खत्म हो जाता है, सबके सब खत्म हो जाता है। एक शुद्ध भक्त अगर कहीं जन्म लिया कद तहार प्रभाव एक कोटि जोजन निस्तारे,
एक शुद्ध भक्त जन्म करने करने पर करोड़ों योजन तक वो स्थान पवित्र हो जाता है। एक शुद्ध भक्त का जन्म से इतने कल्याण है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया कि चैतन्य इधर आ जाओ, जो पीछे आ गया, जो बाबा जी बाबा इधर आ गया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने जहां पर महाप्रभु जन्म हुए वो स्थान तो पवित्र हो गया, लेकिन दूसरे स्थान पर महाप्रभु ने अपना भक्तों को जन्म दिया। और ये भक्त जहां जहां पर जन्म हुए कहते तहार प्रभाव कोटि जो जन निस्तारी, उनका दृष्टि जितना दूर तक जाती है वो समस्त स्थान पवित्र हो जाते हैं। इसलिए महाप्रभु भक्तों को दूर दूर देश में जन्म दिया। अभी महाप्रभु जन्म हुए, जब महाप्रभु जन्म हुए महाप्रभु का जो माता जी के जो पिताजी थे नीलांबर चक्रवर्ती, बहुत बड़े ज्योतिष थे वो, साधारण नहीं बहुत बड़े ज्योतिष थे। तब उनने समस्त जन्म नक्षत्र को देखा, उनका सारे चिन्हों को देख कर सारी बात बता दिया। बोले ये जो बेटा है एक दिन संपूर्ण दुनिया में भगवान की भक्ति को प्रचार करेगा। बोले जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद भी जो प्रेम के लिए तरसते हैं, ये जो बच्चा सारा दुनिया में वो दुर्लभ प्रेम को सबको प्रदान करेगा। और ये बच्चा जन्म होते ही संपूर्ण पूरा हरा भरा हो गया, फल फूल से लद गया। इसलिए इसका एक नाम होगा विश्वंभर। क्या नाम होगा? विश्वंभर। विश्वंभर मतलब क्या है? जो विश्व ब्रह्मांड को प्रेम से भक्ति से जो विश्व ब्रह्मांड को भरण पोषण करने वाले, इसलिए इनका नाम होगा के विश्वंभर नाम होगा। और ये जो तुम्हारी बच्चा है ये जगत में ये भागवत धर्म को प्रचार करेगा। जब इनकी रुचि परीक्षा जानते हो, रुचि परीक्षा बच्चा जब घुटन पर चलना शुरू कर देता है उसको सामने बहुत सारी चीज को रख लेते हैं, छत्र पादुका सोना चांदी अस्त्र सब चीज उसको सामने रख लेते हैं, रख करके बच्चे को छोड़ देते हैं। जब बच्चे को छोड़ देते हैं ना, वो बच्चा घुटन पर चलते चलते कोई चीज को धारण करता है, उससे पता चलता है इसका भविष्य क्या है। लेकिन महाप्रभु रुचि परीक्षा में किसको धारण किया? भागवत ग्रंथ को धारण किया। जब भागवत ग्रंथ को धारण किया तब उन्होंने, तब ज्योतिष ने बताया नीलांबर चक्रवर्ती ने, ये बच्चा एक दिन जगत में ये भागवत धर्म को सर्वत्र प्रचार और ये प्रसार करेगा है। और ये भागवत किया है बोले अर्थयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भास्त रूप सौ वेदार्थ परिवर्णित। ये जो भागवत है समस्त वेद पुराण इतिहास का सार सार ये भागवत है। बोले तत् रसामृतस्य तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रतिरुचिः। अगर जीवन में एक बार कोई भागवत रस को पान कर लेना सारे रस उसको सामने फीकी हो जाती हैं। और एक दिन यही भागवत धर्म को जगत में प्रचार और प्रसार करेगा। सचमुच से देखो ये भक्ति प्रचार होते होते केवल भारत में नहीं, ये भक्ति संपूर्ण विश्व में। कभी वृंदावन जाओगे ना, अंग्रेजियों को देखना कैसे तिलक गले में कंठी माला लेकर के सब के सब क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नीलांबर चक्रवर्ती सब कुछ उन्होंने बता दिया, लेकिन एक बात नहीं बताया। बता सकते हो क्या नहीं बताया उन्होंने? सारी बात उन्होंने बता दिया लेकिन एक बात नहीं बताया। बोले जब ये 26 साल उम्र के होंगे ना ये सन्यास ग्रहण करें। अरे कोई पिता माता कोई चाहते मेरा बेटा सन्यास बन जाए, भले जितना बच्चा हो जाए, कोई चाहते हैं कोई नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने ये बात को नहीं बताए, ये सन्यास लेकर के जगत में हरि भक्तों को, और सन्यास का नाम होगा श्री कृष्ण चैतन्य, मतलब कृष्ण रूपी चेतनता को जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में जो विचरण करेगा, ये नाम को उन्होंने नहीं बताए, ये नाम को उन्होंने छुपा करके रखे। और जैसे साधारण छोटे बच्चे रोते हैं, महाप्रभु भी बचपन में बहुत रोते थे, लेकिन जितने थपथपे लगाए ना उतना रोए, लेकिन इनका रोना कम खत्म होता।
लेकिन जब माताएं सबके सब बैठ करके हरि बोल बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जब सबके सब बैठ करके ताली बजा करके हरि नाम करते थे ना, अपने आप वहां पर चुप हो जाते अपने आप। देखो महाप्रभु शिक्षा क्या, देखो एक चीज को गांठ बांध कर ले जाओ। महाप्रभु शिक्षा देते हैं, हम भी संसार में सभी रो रहे, कोई नहीं बता सकता जो संसार में रो नहीं सकता, नो रोते नहीं, कोई तन से रो रहे हैं, कोई मन से रो रहे हैं, कोई धन से रो रहे हैं, कोई बीवी से रो रहा है, कोई सास से रो रही है, कोई ननद से रो रही है, कोई पैसा से रो रही है, रो रहे कि नहीं बताओ, कोई पड़ोसी से, सबके सब संसार में रो ही रहे हैं सबके साथ। महाप्रभु शिक्षा देते रोना कब खत्म होगा, बोले रोना तभी खत्म होगा जब जीवन में हरि का नाम जप करेंगे, हरि की नाम जब जप करोगे तभी रोना तुम्हारी बंद होने वाले। जब तक हरि का नाम कोई नहीं करेगा कभी तुम्हारी रोना बंद होने वाले नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो हरि नाम करेगा उसको सात फायदा होगा। कितना फायदा होगा, जोर से बोलो, आज मैं बोलूंगा कल तुमसे सुनूंगा, ठीक है। महाप्रभु कहते पहला फायदा है बोले चेत दर्पण मार्जना, तुम्हारे जो चित्तरूपी जो दर्पण है ये साफ हो जाएगी। जैसे हमारे कपड़े में अगर महिला हो साबुन थोड़े ज्यादा साफ कर लेते हैं, लेकिन चित्त में जो महिला हो गया वो कैसे साफ होगी। महाप्रभु कहते हरि का नाम जप करो, हृदय तुम्हारी साफ हो जाएगी। जैसे किसी शीशा में अगर धूल जम गया, अगर उसमें अपना चेहरा दिखेगा नहीं, लेकिन जब वो साफ करने के तभी तो चेहरा दिखेगा, उसी तरह हमारे हृदय में भगवान दिखनी चाहिए। लेकिन हमारे हृदय में भगवान नहीं दिख करके ये दुनिया दिखता है, ये दुनिया दिखता है, लेकिन ये हृदय में ठाकुर कैसे दिखेंगे। बोले चेत दर्पण मार्जनम, हरि का नाम लो तुम्हारी चित्त रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। बोले दूसरा लाभ दिया बोले भव महादाभाग निर्वापण, ये संसार में जो आग लगी हुई है सुन रहे थे ना सब दुखी दुखी, कभी आग कब बुझेगी, बोले जब ये हरि का नाम कीर्तन करोगे समस्त दुख सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया। ये हरि का नाम जब जब करोगे ना समस्त दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाएगी। इसलिए इसका नाम हरे, हरे मतलब क्या, समस्त दुख कष्ट को जो हरण करते हैं। कृष्ण मतलब क्या है, ये चंचल मन को जो शांति देता है। राम मतलब जीवन में जो आराम दे, जीवन में जो आराम दे। इसलिए ये हरि का नाम से क्या होगा, समस्त दुख तुम्हारी दूर हो जाएगा। बोले तीसरा क्या है, चेत भव महादाव श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। उदाहरण दिया है हमारे जो हृदय है ना एक कुमुदिनी, रात में एक फूल खिलता है जिसका नाम कुमुदिनी, लेकिन वो चंद्रमा का किरण से ही फूल खिलता है। कहते उसी तरह हमारा हृदय भी जो फूल है ना अभी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन ये खिलेगा कैसे, हृदय मतलब तुम्हारी मन में आनंद कब आएगा। कहते जो कृष्ण नाम रूपी जो किरण हृदय रूपी कुमुदिनी में पड़ेगा ना तुम्हारे हृदय भी खिल जाएगा, मतलब क्या हृदय तुम्हारी आनंद में गदगद हो जाएगा। बोले विद्या बधू जीवनम, कहते जो विद्या रूपी जो बहु है इसका जीवन क्या है, बोले ये कृष्ण नाम। मतलब क्या है, जैसे हम लोग पीएचडी करते हैं, कोई सीए कोई डॉक्टर किया हुआ है, ये पढ़ाई का सार्थकता कब है, जब हम भगवान की नाम को जप करेंगे तभी ये पढ़ाई की सार्थकता है। अगर तुमने सारा दुनिया तुमने इसे मीरा कहती हैं पोथी पढ़ी पढ़ी क्या मुआ भयो पंडित बना सो कोई, ढाई अखर प्रेम सो पढ़ा सो पंडित सोई। इसलिए जो प्रेम ढाई अक्षर जो पढ़ लिया ना वो असली पंडित है, वही असली पंडित है। इसलिए विद्या पढ़ने का तभी सार्थकता है जब हम भगवान के नाम को जप करेंगे। इसलिए महाप्रभु जब केशव काश्मीर को आगे हम सुनेंगे, बहुत बड़ा विद्वान था, सरस्वती जी की जुहा में बैठ करके बात करती थी, उन्होंने विश्व को परास्त करके आए, लेकिन महाप्रभु के पास में जब परास्त हो गए तो बड़े दुखी हो गए। सरस्वती से पूछे मैं कैसे परास्त कैसे हो गया, हैं परास्त कैसे हो गया, बोले देखो जो महाप्रभु मेरे प्रभु मेरे पति है, इसलिए जब तुम मेरे पति को सामने
तर्क वितर्क करने के लिए गया, मैं अंतर ध्यान हो गया। मैं तो बोलती थी, बोले जाओ पढ़ाई का सार्थकता हो गया, जाओ महाप्रभु के चरण में माफी मांगो। जब महाप्रभु के पास में गए ना, महाप्रभु क्या बोले, बोले पंडित विद्या पढ़े के ना ये पढ़ाई क्यों कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए? कहते नहीं, बोले विद्या पढ़े के ना, बोले कृष्ण भक्ति जानी वाली, कृष्ण भक्ति को जानने के लिए। बोले सजदी नहीं लो, अगर तुमने पढ़ाई लिखाई करके तुम भगवान की भक्ति नहीं किया, ये विद्या की कोई महत्व नहीं। ये देह छारिया चली ले, जब ये शरीर छूट जाएगा, ये तुम्हारी डिग्री बिग्री कोई भी तुम्हारी काम में नहीं आएगी। अंतिम समय में बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सबको इलाज हो जाए। भैया ये विद्या कुछ नहीं चलेगी साथ में, सारे विद्या यहीं रख करके जाओगे, लेकिन साथ में क्या चलेगा, हरि की नाम चलेगा। इसलिए कहते विद्या की पढ़ाई की, विद्या का जीवन किया है, बोले हरि का नाम। देखो एक छोटी सी कहानी सुन लो। बोले एक समय कोई सीए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर एक नाव में बैठ करके नदी पार कर रहे थे। ध्यान देखो, सुनो, नदी पार कर रहे थे, नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी। जब बीच दरिया में नाव पहुंच गया, जो सीए किया हुआ था वो नाव वाले से पूछा, बोले भैया तुम सीए के बारे में कुछ जानते हो? बोले सीए क्या है, मैं तो नाव चला करके दो पैसा कमा कर पेट पालता हूँ। बोले तू नहीं जानते? बोले नहीं। बोले तेरा तो 25% बस बेकार, यूजलेस तुम्हारे जीवन, तुम्हारी जीवन गया बेकार। लेकिन और थोड़ी दूर गए, जो इंजीनियरिंग कर रहा था, बोले इंजीनियर के बारे में तेरे कुछ पता? बोले वो क्या है? बोले तुम्हारा तो 50% जीवन बेकार। और थोड़ी दूर जब गए, जब डॉक्टर था, बोले डॉक्टर के बारे में कुछ पढ़ा? बोले नहीं। बोले तुम्हारा तो 75% जीवन बेकार। लेकिन जब एकदम बीच दरिया में पहुंच जाना, नाव छेद हो गई और पानी घुसना शुरू हो गया, और उसने बहुत कोशिश की बंद करने के लिए, लेकिन बंद नहीं हो पा रहा था। देखा था नाव डूबने वाला, उसने पूछा तुम लोग को तैरना आता है? बोले तैरना क्या? बोले नहीं। बोले मेरा तो 75% जीवन बेकार गया, अभी तुम्हारे 100% अभी बेकार जाएगा। और देखते देखते नाव में ना पानी घुस गई, और जितने सीए पीए डॉक्टर डूब करके मर गए, और इसको तो तैरना आता था, बस पार हो गया। गुरु जी कथा सुनाते थे, हम भी बहुत लिखे पड़ गए, लेकिन भैया अंतिम समय में कोई लिखा पड़ा तुम्हारे काम में नहीं आने वाले, बस जितने जिसने ये कृष्ण नाम को पढ़ लिया। इसलिए मीरा कहती है ना, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए, और जो माया के जो बने पुजारी आखिरी हो कांगाल हुए। इसलिए महाप्रभु कहते विद्या पढ़ने का सार्थकता इसमें, जब भगवान की नाम जब करोगे भैया, तभी विद्या की सार्थकता तो तुम्हारी जीरो ही है, और विद्या कोई काम में नहीं आने वाले, सब यही डिग्री छोड़कर जाना पड़ेगा। इसलिए कहते प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम, हरि का नाम जब करोगे ना, हर पद पद में एक नई आनंद आस्वादन होगा। लेकिन ये जगत का आनंद देखना धीरे धीरे घटती है, जगत का कोई भी आनंद को देख लो कभी बढ़ते हुए नहीं देखोगे। जैसे शादी होता है, पहले क्या लगता है, एक चंद्रमा ऊपर मेरे पास में और भी चंद्रमा, पहले पत्नी लगती है चंद्रमुखी, देखना वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में सूर्यमुखी बन जाती है, फिर देखना ये सूर्यमुखी बाद में ज्वालामुखी होकर बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं, फिर डाइवोर्स, कभी डाइवोर्स का नौबत आ जाती है। इसलिए जगत का कोई भी चीज, बढ़िया से बढ़िया सिनेमा देख लो, क्या बोले क्या सुंदर है, दो बार तीन बार उसके बाद बैठ नहीं सकते हो, न्यूज पेपर पढ़ते होंगे, एक दिन पढ़ के दूसरे दिन फेंक देते हैं। इस जगत में कोई भी चीज आप देख लोगे ना, कोई भी संसार का चीज तुम्हें आनंद देने वाले नहीं, धीरे धीरे आनंद नीचे आएगा। लेकिन भक्ति ऐसे का आनंद है, कहते प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादन, प्रतिपद पद में अगर नई नई आनंद कोई देने वाला ना ठाकुर का भक्ति। जैसे देखो आप लोग गोविंद देव का दर्शन किए हो, चाहते हो जाते हो ना, कभी सवेरे चले जाते, कभी दोपहर, कभी रोज, ठाकुर का भी पुराना दिखती है ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी का देखो सनातन प्रभु श्रृंगार करते हैं, ये भाई पुराना दिखते हैं ठाकुर जी, कैसे लग रहे हैं आज ठाकुर जी, बोलो कैसे लग रहा है,
बहुत सुंदर लग रहे हैं ना ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी कभी पुराने लगते हैं? नहीं लगते हैं। ये भक्ति हरि का नाम ही एक वस्तु है जो कभी पुरानी नहीं होती है। जगत में हर चीज पुराना होती है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया महाप्रभु का रोना क्यों बंद होता था? यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भैया तब तक संसार में रोते रहोगे। महाप्रभु स्वयं रोते थे, कब तक? जब तक कोई हरिनाम नहीं करते थे, हरिनाम करते रोना बंद हो जाता। प्रभुपाद कहते हैं भैया तब तक ये संसार में रोते रहोगे जब तक हरि का नाम नहीं लोगे, हरि की भजन नहीं करोगे तब तक ही रोना तुमको पड़ेगा। 14 ब्रह्मांड 84 लख के जन्म में भटकते रहोगे। रोना कब बंद होगी? जब हरि का नाम तुम लोगे। बस सर्वात्म स्नापनम। एक दिन संपूर्ण कृष्ण भक्ति रस में डूब करके एक दिन ठाकुर के चरण में स्थान हो जाएगी, ठाकुर का चरण में स्थान मिलेगा। इसलिए महाप्रभु जो कीर्तन करते थे महाप्रभु, उनके रोना बंद होता था। हमारे बीच में हमारे एक जनार्दन प्रभु समझ ले, ये आपको थोड़ी सी महाप्रभु के बारे में बताएंगे, महाप्रभु को कथा सुनाएंगे। हाँ, हमारे जनार्दन प्रभु जी यहाँ रहते हैं, बच्चों को क्लास देते हैं, बच्चों को बड़े उत्साह देते हैं भजन करने के लिए, बड़े उत्साह देते हैं बच्चों को। हैं इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्रीसनातनप्रभुकरुणामुरासे श्रीरूपदुर्गतजनिर्दयार्वलोके हे वटयुग्मसुमते रघुनाथदासजीवमे कुलकमण्डलकेदयाम्बराः। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं चाहते हैं मेरे गुरुपाद पद्मों विष्णुवर अशोक सिद्धांत गुरु महाराज के अभय चरणारविंद में आसन को प्रार्थना करता हूँ। यहाँ पे समस्त उपस्थित सत्य तो गुरु भक्ता गुरु भक्ति समस्त वैष्णव वैष्णव माता भाई बहन सबके चरण मेरा जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम में जानते हैं भागवतम क्या है। एक है भक्तानां चरित्र यत्र स भागवत, जहाँ पे भक्तों का चरित्र है, और भागवतम प्रणीतम, जो भगवान ने अपने मुंह से श्री ब्रह्मा जी को श्रवण करा था वो भागवतम है। तो ये भागवत में दोनों चीज है, एक भगवान की लीला कथाएं और एक भक्तों की चरित्र। ऐसे ही जो चैतन्य भागवत आज हम तृतीय दिवस पर पहुंच चुके हैं, 7 दिवस व्यापी जो ये चलने वाली जो श्रीमद् चैतन्य भागवत है, ये चैतन्य भागवत में भी यही चीज है। क्योंकि पहले ही दिन हमने श्रवण किया था श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण जो कि अपने परिकरों के साथ जब आते हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, उन्हीं की लीलाओं को भक्तों के चरित्रों को अपने चैतन्य भागवत में स्थान दिया है। इसलिए जहाँ जहाँ पे भगवान अपनी लीला करते हैं, भगवान के दूसरे भगवान के साथ तो लीला नहीं करेंगे, अपने भक्तों के साथ लीला करेंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ पे भगवान की भक्तों के चरित्र भी आने वाले हैं। तो ऐसे भगवान के भक्तों के चरित्र बड़े पावनमय होता है। हम लोग सभी जानते हैं कृष्ण बड़े ही दयालु है, कृष्ण करुणा सिंधु, उनकी शक्ति जो राधा रानी है वो उनसे भी ज्यादा दयालु है। एक होता है ना पिताजी को माता जी, माँ बाप है, आप लोग अपने दिल का हाथ रख करके पूछो कौन सबसे ज्यादा दयालु है, माँ है ना। तो ऐसे जो कृष्ण की जो अपनी शक्ति के धारिणी आनंद में शक्ति राधा रानी बड़ी कृपालु है। अब हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे जब कृष्ण जगाई मदा को शिशुपाल और दंतपुत्र को तो मार दिए, पर महाप्रभु मारा मारे नहीं,
और उनको उल्टा नित्यानंद प्रभु को मारा गया फिर भी महाप्रभु उनको माफ कर दिया, उनके चरण में प्रार्थना करने पर। कहते हैं नित्यानंद प्रभु इतने दयालु है, कहते महाप्रभु इतने दयालु है, उनसे भी ज्यादा नित्यानंद प्रभु दयालु है। कहते नित्यानंद प्रभु से भी जो सबसे ज्यादा दयालु है वो कहते हैं कि ओगोष्ठी जाह्नवा देवी इधर से करुणा करा जी ने जो उन्हें भूचा यंत्रणा। और ये जाह्नवा देवी मतलब हमारी जाह्नवा माता जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है। नित्यानंद प्रभु हमारे कृष्ण लीला में श्री बलराम है और जो जाह्नवा माता है ये श्री रेवती है। गौरगढ़ देवी का एक ग्रंथ है जहाँ पे लिखा है कवि कर्ण को गोस्वामी वर्णन करते हैं जितने भी सारे महाप्रभु के पार्षद हैं वो कोई और नहीं है, वो कृष्ण लीला में कोई नंदा बाबा कोई यशोदा कोई रूप वर्जय जी कोई राधा रानी के आठ सखे हैं, यही सब श्री कृष्ण चैतन्य के साथ महाप्रभु के परिकर बन करके आते हैं। अब जाह्नवा माता के संबंध में आज हम थोड़ी सी श्रवण करेंगे कि जाह्नवा माता कैसे दयालु है, कैसे जीवों के ऊपर कृपा करी है, हम थोड़ा सा उनके बारे में श्रवण करते हैं। गौरगढ़ दीपिका में जाह्नवा माता में नंबर 65 और 66 में वर्णन आता है कि जो जाह्नवा माता है ये नित्यानंद प्रभु की अपनी शक्ति है। नित्यानंद प्रभु कौन? बलराम जी है। तो ठीक उनकी शक्ति अगर जाह्नवा माता होती है तो ये कृष्ण लीला में कौन है? कहते हैं रेवती माता है। रेवती माता जानते हैं बलराम जी की पत्नी है। अब एक ये तो वर्णन आता है, दूसरा जो दूसरे श्लोक में वर्णन आता है कहते हैं कि राधा रानी की जो छोटी बहन है ना अनंग मंजरी ये वही है जाह्नवा माता। इसलिए आप लोग देखे होंगे गोपीनाथ जी में जब जाते हैं एक तरफ राधा रानी और दूसरी तरफ एक और राधा रानी नहीं वो अनंग मंजरी है, यही वो अनंग मंजरी जो इस महाप्रभु की लीला में जाह्नवा माता वर्णन करके श्रवण करेंगे कैसे वो जाह्नवा माता अनंग मंजरी के रूप में है। अब कहते हैं जब महाप्रभु आए नित्यानंद प्रभु आए तो जो जाह्नवा माता है ये जाह्नवा माता के संबंध में वर्णन आता है कि कृष्ण लीला में दो पत्नी थे बलराम जी के, एक है रेवती और एक है वारुणी, वही दोनों ही जाह्नवा और वसुधा बन करके आए हैं। जब जाह्नवा माता इतना श्रेष्ठ है इतने श्रेष्ठ है कहते हैं रेवती माता तो पहले ही सभी छूट चुके हैं, पर जाह्नवी माता जब उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु चले गए इन्होंने इतनी रोई रोते इन्होंने क्या किया दोबारा नित्यानंद प्रभु को खड़गा एक ग्राम है जहाँ पे ये अपना जीवन वहाँ पे बिताए, तो जाह्नवा माता ने वहाँ पे नित्यानंद प्रभु को दोबारा प्रकट कर दिए, उस धाम से उनको बुला करके लेकर के आ गए। वर्णन आता है नारायण चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जब महाप्रभु के दर्शन के लिए नित्यानंद प्रभु कभी पूरी आए थे तो उस समय नित्यानंद प्रभु जब महाप्रभु से मिलन होता है महाप्रभु को कहते हैं अरे अवधूत नित्यानंद प्रभु आप जल्दी जाओ और जाकर के नवद्वीप में अपना वैवाहिक जीवन यापन करो। नित्यानंद प्रभु कहते हैं देखो खुद तो सन्यासी है और मैं अवधूत हूँ, मेरे को अवधूत मतलब जो कपड़े नहीं पहनते, लगभग कोपिंग से आश्रय करके पूरे जगत में कृष्ण भक्ति के प्रचार कर रहे थे नित्यानंद प्रभु। ऐसे नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु कह रहे थे तुम जाकर के अपना गृहस्थ जीवन यापन करो। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु उनको पूछते हैं कि वो एक बहुत सुंदर वर्णन है नित्यानंद वंश विस्तार में लिखा है, कहते कैसे नित्यानंद प्रभु महाप्रभु कहते हैं देखो तुम वही हो ना जो कि रामलीला में सीता जी को त्याग कर दिया था, तुम वही हो ना जो कृष्ण लीला में गोपियों का त्याग कर दिया था, तुम वही हो ना आज जो विष्णु प्रिया जो तुम्हारे अपनी अंतरंगा शक्ति को त्याग करके यहाँ पे सन्यासी होकर के बैठे हो। कहते तुम तो सन्यासी बन के इनको सबको छोड़ करके मेरा तो कोई भी नहीं है फिर भी मेरे को कह रहे हो कि तुम गृहस्थ बनो, ये कैसी बात है। तो वहां पे बहुत ज्यादा रहस्यात्मक उनका जो कन्वर्सेशन है तो वो नित्यानंद वंश के कारण वर्णन हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जब उनको नित्यानंद प्रभु का आदेश दिया तो महाप्रभु ने वहां पे बोले कि नित्यानंद तुम चिंता मत करो, जब तुम जाओगे और तुम वैवाहिक जीवन यापन करोगे तो तुम्हारे जो संतान है वो उसी रूप में मैं ही दोबारा प्रकट होगा, और दूसरा तुम्हारी जो अपनी शक्ति जानवा उन्हीं से ही मैं पूरी कृष्ण भक्ति को दोबारा इस धरातल पे फिर दोबारा प्रचार कराऊंगा। हम सुनेंगे कैसे महाप्रभु जाने के बाद लगभग कुछ समय तक अंधकार हो गया था गौड़ीय भक्ति जगत में, लोग भक्ति करने के लिए भी दोबारा सोचते थे जब महाप्रभु के समय अपने परिकरों में रहते हुए भी। तो महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु का आदेश मिला उनको दोबारा नवद्वीप में आए तो वहां पे सब लोग बैठे हुए थे,
श्रीवासी अद्वैताचार्य जी वहीं पर बैठे हुए थे, तो महाप्रभु जब पता नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अब तो महाप्रभु का आदेश हुआ, सब लोगों ने बड़े खुश हुए। इतने में वहां से सालिग्राम की जो भद्यावती ग्राम से एक ब्राह्मण आए, उनका नाम था सूर्यदास। ये सूर्यदास कौन है? यदि ये भी कृष्ण लीला में कुछ होंगे, यदि ये कुकुटमी थे जो रेवती और बाल्मीकि के पिताजी थे, यही कुकुटमी बाद में सूर्यदास बनकर गए। छह भाई थे ये, जगन्नाथ दास, दामोदर दास, और हम सब लोग जानते हैं जिनके लिए महाप्रभु अपने विग्रहों को अंबिका पालन में रोक दिया था, गौरीदास, चैतन्य मुरारी दास, और इस प्रकार छह भाई ये लोग थे। ये जो सूर्यदास थे, इन्हीं की ये दो बच्चियां थी, एक का नाम था वसुधा, छोटी की नाम थी जानुमा। दोनों को एक दिन सूर्यदास जी को एक दिन सपना हुआ कि उन्होंने देखा कि एकदम से दो उनकी बेटियां खड़ी हुए हैं और सामने भगवान बलराम जो है अपने दोनों भुजाओं में इन दोनों को पत्नियों को ग्रहण किया। ये दोनों कोई और नहीं थे, ये वही नित्यानंद प्रभु की अपनी शक्ति वसुधा और जानुमा था। जब उनको सपना टूटा, दौड़ करके नदी पर आए, नदी पर आकर के नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया, नित्यानंद प्रभु को अपना अनुरोध किया कि अभी आप ही मेरे जो है मेरे जमाई बनने के लिए आप ही हैं। जब वो वापस आते हैं सालिग्राम में विवाह रचाने के लिए, तब उन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु तो अवधूत है या वो कपड़ा भी नहीं पहनते, और बाप को पता चले ऐसे ऐसे व्यक्ति को कौन अपना बेटी देना चाहेगा, है ना, जो व्यक्ति बिना कपड़े में है ना हरी हरी करके है ना तो पूर्व हरी हरी वो नगर नगर में डोलता हुआ हो तो कोई भी नहीं चाहेगा। मन में थोड़ा उनका विषम परिस्थिति जैसे ही पैदा होने लगी, नित्यानंद तो आए बोले कि मेरे को क्षमा करता, ये एक प्रकार के वर्णन आता है चक्रवर्ती नारायण चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं कि वहां पे उनके मन में थोड़ा शंका हुई। शंका होते ही नित्यानंद प्रभु तो मान गए, कोई बात नहीं, मैं तो आया था क्योंकि आप ही अनुरोध था, आप ही नगदी आए थे, अब मैं जा रहा हूँ। तो जैसे जा ही रहे थे, इतने में देखा कि बगल के कपड़े में उनकी जो बड़ी बेटी थी वसुधा, वसुधा के अंग गलने लग गया, और धीरे 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 जैसे उनका वो बिल्कुल खराब होने लगे, इतने में कौन आए, सब लोग आकर के बोले कि जल्दी चलो सूर्यदास जी, आपकी जो बेटी है वो उसको कुछ हो रहा है, क्योंकि वो नित्यानंद प्रभु से उनका जो विवाह होने वाला था, अब उन्होंने उस कमरे में बैठ कर सुन रहे थे कैसे नित्यानंद प्रभु से उनका विच्छेद हो रहा है, नित्यानंद प्रभु के साथ उनके पिताजी ने राजी नहीं हुए, तो इस अराजी मन के कारण ही वसुधा जी ने अपने प्राण त्याग करने की संकल्प लिया। वैद्यराज को बुलाया गया, वैद्य ने बोला कि देखो ये सब बचने का कोई संभावना नहीं है, इनको गंगा जी में ले चलो, वहीं पे इनका अंतिम श्वास जो है छूटने वाली है। सब लोगों को लेकर के गए, क्योंकि सूर्यदास जी ऐसे कोई साधन नहीं थे, सूर्यदास से समझ गए कि कहीं ना कहीं मेरा अपराध हुआ है। सोच करके देखे तो बलराम जी जो नित्यानंद प्रभु, उनके चरण में अपराध हुआ है, इसीलिए उन्हीं को प्रार्थना किया, जल्दी दौड़ के गए बाजार में उनको घूम के लेकर गए। जैसे ही वहां पे गंगा किनारे पे नित्यानंद प्रभु पहुंचे, नित्यानंद प्रभु के जो अंग से जो सौरभ निकली, जो सुभाष जो गंध समीर जो निकल करके वसुधा देवी के पास पहुंचे, तो वसुधा देवी के नाक में जाते ही वसुधा देवी तुरंत उठ के खड़ी हुई और बड़ी लज्जाशील बन करके अपने साड़ी को पल्लू करके नित्यानंद प्रभु के चरण में समर्पित हुई। उसी दिन उनके वहां पे अंबिका कालना में उनकी शादी होती है। वर्णन आता है कि एक प्रकार तो दोनों बेटियों की शादी जानवर वसुधा की नित्यानंद प्रभु के साथ एक साथ शादी हुई थी। कई बार कई कई जगह पे वर्णन ये भी आता है कि उसी दिन शाम को जब नित्यानंद प्रभु प्रसाद पा रहे थे, जिस दिन शादी हुई वसुधा के साथ, उस दिन जानवा माता भी आई थी। जानवा माता उनको कुछ परोस रही थी, किंतु नित्यानंद प्रभु को बड़े लज्जाशील होकर के अपने ओढ़ना को ऐसे करके वो नित्यानंद प्रभु को परोस रही थी। इससे पहले नारायण चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कोई साधन नहीं है जानवा माता, ये कौन है, नित्यानंदम प्रियम प्रेम भक्ति रत्न प्रदायिने श्री जानवा ईश्वरी वंदे तापत्रय निवारणम, ये कौन है, ईश्वरी है, ये कोई साधन तो है नहीं। तो वर्णन आता है जब उनको परस रहे थे तो उनको थोड़ा हवा चली, उनकी जो ओढ़ना थी वो थोड़ा सा ऐसे हटने लगा, दोनों हाथ से तो परस रहे थे, दोनों और उनके हाथ निकल करके आए, क्योंकि विष्णु लोक में कैसे होते चार चार भुजाएं होते हैं ना, तो ये जानवा माता के दो और हाथ निकल कर के आए और दोनों हाथ से उन्होंने अपने पल्लू को संभाल लिया। और इसी को देख करके नित्यानंद प्रभु बोले ये तो कोई साधन नहीं है, मेरी अपनी नित्य शक्ति है। नित्यानंद प्रभु सूर्यदास सारे किला को बोले कि देखो दहेज के रूप में तुमने मेरी
जो अपनी जो छोटी बेटी वो भी मेरे को दे दो। अब ये तो जानते हैं सूर्यदास मिश्र उन्होंने दोनों को दिया, वही सब अंबिका का विवाह होती है। उसके बाद वे वहां पे जाते हैं, जो सची माता के पास आते हैं, सची माता को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं देखो अभी तुम्हारा जो है आशीर्वाद तुम नहीं हुआ, तुम जल्दी जाओ अद्वैताचार्य के पास, वहां पे कौन है, सीता ठाकुरानी है। सीता ठाकुरानी इनके पास जब गए थे कि ये उनके कौन लगते हैं, चाचा ताऊ लगते हैं ना, ये सूर्यदास जी के भाई हैं, गौरीदास इन्हीं की पत्नी है, गौरीदास ये गौरीदास जी की जो समस्त वो लगते हैं अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत आचार्य क्योंकि उनकी माँ की जैसे लगते हैं, जो सीता माता जो अद्वैत आचार्य की पत्नी है, तो उन्होंने इन दोनों को अपने गोद में लिया और बड़े प्यार करने लगी। और वहां से वे लोग जो उदाहरण दत्त के स्थान सप्तग्राम जाते हैं, फिर वहां से वो खड़दय चले जाते हैं। तो जानवा माता के संबंध में वर्णन आता है, जो जो जानवा माता है ये जब नरोत्तम विलास में लिखा है, जब खेतुरी में सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को, जब नित्यानंद प्रभु ने जब जीव गोस्वामी को नदी धाम परिक्रमा कराया, और महाप्रभु की जो सबसे पहले जन्म जयंती बनाया गया था ना, वो खेतुरी ग्राम में बनाया गया था। आप तो सभी जानते होंगे जो खेतुरी ग्राम है वो नरोत्तम दास ठाकुर का स्थान है। खेतुरी ग्राम में उन्होंने महाप्रभु की जन्मोत्सव मनाया। उसी समय नरोत्तम दास ठाकुर जो महाप्रभु की प्रेम की प्रतीक है, महाप्रभु के प्रेम के प्रति नरोत्तम दास ठाकुर जब जानवा माता के पास आते हैं, तो जानवा माता उनको लेकर के खेतुरी में उत्सव मनाते हैं। ये तो उत्सव में कई सारे अलौकिक चीज देखने के लिए मिला था। रघुनंदन ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य तो ठाकुर जी की पूजा अर्चन कर रहे थे, नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन गा रहे थे, कीर्तन तो गा रहे थे, वही स्वाभाविक कीर्तन गा रहे थे। जैसे ही जानवा माता ने नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति थोड़ी सी एक मर्सीफुल ग्लांस जब दिया ना, उनको कृपा कटाक्ष दिया, तब उस समय क्या हुआ, उन्होंने देखा नरोत्तम दास ठाकुर बड़े जोर से उच्छ्वास कीर्तन करने लगे, और वहीं पे महाप्रभु नित्यानंद प्रभु रूप सनातन जितने भी कारीगर जो अप्रकट हो चुके थे लगभग उस समय, सब लोग ऐसे ही ऐसे प्रकट हो गए, प्रत्यक्ष प्रकट होकर के नृत्य कीर्तन करने लगे। और इस चीज को देख करके सब लोग बड़े आनंदित हो गए। कुछ घंटे कीर्तन चली, खूब उदय नृत्य कीर्तन किया। जैसे ही महाप्रभु अपने एकदम से सब लोग परिकर हो गए, जैसे ही अकस्मात तिरोहित हो चुके, अब अप्रकट हो गए, तो जो महाभगवान की जो स्पर्श है, भगवान की जो साक्षात सानिध्य है, जिस व्यक्ति को मिला है वो ही व्यक्ति समझ सकता है भगवान की लीला कैसा हो। जैसे नारद जी को एक बार झलक दर्शन हुआ तो नारद जी पागल हो गए, जैसे विल्वमंगल ठाकुर जी के हाथ को छू करके भगवान निकल गए, वो कहते हैं हाथ को छुड़ाते हुए चले जा रहे, कृष्ण कौन सी बड़ी बात है, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बूढ़ा हूँ, तुम तो बच्चे हो, चंचल हो, छुड़ा करके चले गए। तो यहाँ पे भक्त भगवान को चैलेंज करते हैं, हृदयात यदि निर्यासी पुरुषम गणयामि ते, मेरे हृदय के अंदर से बाहर निकल करके दिखाओ, तब मैं जानूंगा तुम कितने बड़े पुरुष हो, समझ रहे। तो जब महाप्रभु चले जाते हैं तो सब लोग बड़े व्याकुल हो जाते हैं। जानवा माता इन सबकी वो दुर्दशा को देख करके जानवा माता तुरंत वहां पे जो वहां की उस समय जो स्थिति थी उसको तुरंत बदला देती है, और सब वहां पे होली का उत्सव मनाते हैं, भाग खेलते हैं, और फिर सबको आनंद कीर्तन में नचाते हैं। उसी से ही वहीं से ही जानवा माता वृंदावन की तरफ आते हैं। दो ही घटना करके मैं अपने भाई को विराम दे दूंगा। कहते जानवा माता जब वृंदावन की तरफ आ रहे थे ना, उस समय कई सारे घटना घटे। जानवा माता उस समय देखा कि गौड़ देश में जो नीलाचल में लगभग कुछ लोग हैं, और वृंदावन में भी लोकनाथ गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी लोग हैं, पर गौड़ देश में बंगाल की तरफ उस समय प्रचार प्रसार नहीं था। वे जानते थे कि यहाँ पे कोई ना ग्रंथ है ना कोई ऐसे परिकर है महाप्रभु के, सब अप्रकट हो चुके हैं। तो उनकी जो लिगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जानवा माता ने ही, क्योंकि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को वचन दिया था कि हमारे संप्रदाय की रक्षा आगे चल के जानवा माता ही करेंगे, तो वो जो जानवा माता कई चीजों के लिए जाने जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, हमारे गुरुदेव कथा सुनाते हैं, उनके जो बेटे थे ना, ये कौन थे, जानवा माता की जो पहली जो बहन थी वसुधा की 6 बेटी थी, 7वीं बेटी के रूप में गंगा और 8वीं संतान के रूप में वीरभद्र आए। जो वीरभद्र थे, जानवा माता की अपनी कोई संतान नहीं थे, यही वसुधा माता की जो संतान वीरभद्र, ये जानवा माता ने उनको पालन पोषण किया, कृष्ण भक्ति सिखाए।
तो एक दिन किसी ने पूछा कि वीरभद्र आप दीक्षा क्यों नहीं लेते हो। बोले इस समय तो कोई है नहीं, मेरे पिताजी नित्यानंद तो चले गए, महाप्रभु की कोई परिकर भी नहीं है, तो किससे दीक्षा लो। बोले तुम्हारे अपनी माता जानवा है ना, जानवा से ले लो। बोले जानवा माता वो तो ठीक है, मेरी शिक्षा गुरु तो हो सकती है, पर स्त्री होने के कारण वो मेरे दीक्षा गुरु कैसे होंगे। परंतु ये कौन है, ये तो साक्षात ईश्वर है, ईश्वरी है। समझ नहीं पाए एकदम, एक समय क्या हुआ कि एकदम से अंदर चले जाते हैं जहाँ पे जानवा माता अपना अंग मार्जन कर रहे थे, नहा रही थी। तो उस समय क्या हुआ कि उनका जो अपव्यापन था वो हवा के कारण उड़ गया। और उसी समय जो वीरभद्र थोड़े बड़े भी हो चुके थे, तो इन्होंने क्या किया, जैसे ही अंदर थोड़े अनकॉन्शियस भी चले गए, वहां पे क्या देखा कि माता जो है ना तुरंत इनके दो और हाथ आ गए, दो हाथ से तो नहा रहे थे, फिर दोबारा वही दो और हाथ आ गए और उन्होंने अपने सम्मुख स्थिति को ढक दिया ताकि जो वीरभद्र के सामने वो प्रकट ना हो। इस बात को देखकर के वीरभद्र को बड़ा ही ग्लानि हुई और उसी दिन ही उन्होंने जानवा माता से दीक्षा लिए। केवल उनको नहीं दिया, उसके बाद उनके जो जो उनके संतान थे, वीरभद्र के जो संतान गोपीजन वल्लभ को भी किसने दीक्षा दी, यही जानवा माता। केवल उनको नहीं है, आगे हम श्रवण करेंगे। जब ये वृंदावन की तरफ जा रहे थे ना, वृंदावन की तरफ जब जा रहे थे, वहां पे कुछ चंडी साधक लोग भी रहते थे। ये जानवा माता जब जा रहे थे, कुछ लोगों ने उनको देख करके चिढ़ने लग गए, जो चंडी जो काली के साधक लोग थे, जानवा माता को देख चिढ़ने लग गए। तो मन मन में उन्होंने काली माता को प्रार्थना किया कि माता काली आप ही तो सर्वेश्वरीश्वर, ये जो जानवा माता है इनको आप जैसे तैसे भी हटाओ, क्योंकि ये तो साधक मनुष्य है। तो उसी दिन ही काली माता ने रात को सभी उन लोगों की जो जो बहुत ज्यादा एनवियस थे जानवा माता के प्रति, सबके सपने बना करके बोले देखो वो भी मेरी कौन है, वो भी मेरे पूज्य आराधित आराध्य देवी है, आप ऐसे बात करोगे तो मैं सबके गला काट दूंगी। तो ये माता की आदेश सुन करके सब लोग जानवा माता के चरण में आए, जहां जहां पे वो कथा करते थे सब लोग दोबारा कथा खत्म होने के साथ ही साथ जानवा माता के चरण में आकर के क्या करते थे, दीक्षा ग्रहण करते थे। इन चीजों को देख करके कुछ डाकू लोग थे जो कि थोड़े जलने लग गए, उन्होंने देखा कि बड़े भारी शिष्य हैं। उस समय उनके साथ बहुत सब लोग महाप्रभु के परिकर थे, कमलाकर थे, यदुनंदन आचार्य जी थे, परमेश्वरी दास जी थे, बहुत सारे लोग थे, कनाई बलराम, ये सब लोग माता के साथ जाया करते थे। तो रास्ते में क्या हुआ, जो डाकू लोग ने देखा कि बड़े भारी संत इनके तो शिष्यों की टोली है, अब आज इनको लूटना है। उन्होंने रात को प्लान बनाया, लगभग यहाँ से 50 मीटर दूरी पे है, नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कुछ ही दूरी पर ही वो थे, और रात को उन्होंने सोचा कि इनको लूटेंगे। उन्होंने क्या किया, कुछ अपने दस्युओं को साथ में लिया, बोले 1-2-3 करेंगे और हम सब लोग उनको जाकर के लूट लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, दौड़ना शुरू किया, 50 मीटर दूरी पर ही जानवा माता विश्राम कर लिए सब शिष्य लोगों के साथ। तो जैसे ही दौड़ना शुरू किया, वे क्या देखे, वो तो दौड़ रहे पूरी रात दौड़ते देखो, कोई साधारण से मनुष्य की संगम क्षेत्र में नहीं देखा जाता। सुबह भी हो गए, सूर्य भी आके वो देख रहे हैं कि एक उसी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, दौड़ रहे इतने दौड़ रहे पर आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। जैसे उन्होंने देखा कि भाई ये तो कोई साधक नहीं हो गए, जो हम लोग सुन रहे थे इतने सारे शिष्य ऐसे ही उनके शरणागत नहीं हुए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं वेदेषु दुर्लभम सुदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषोत्तमम भजामि, जो वेदों के लिए भी दुर्लभ है ना भगवान, पता है किन के लिए करीब है, आत्म भक्तो, जो उनकी भक्त लोग है ना, भक्ति के माध्यम से भगवान बड़े आत्मीय रूप में पास में आ जाते हैं। कहते ऐसे जानवा माता को जैसे ही सोचने लगे, तुरंत देखा एक ही स्टेप दिया था क्या, जानवा माता के करीब में पहुंच गए, पहुंच करके तुरंत वहां पे उन्होंने प्रणाम किया, उन्हीं लोगों को भी उन्होंने क्या किया आगे चल करके उनको बना दिया, अपना शिष्य बनाया। फिर इस प्रकार जब उनको वृंदावन पहुंचे, वृंदावन के सारे गोस्वामी लोग थे, कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जब जानवा माता को देखा, श्री जानवा पाद पद्म करिया स्मरण नाम संकीर्तन के दिन कृष्ण दास गए नाम संकीर्तन। कहते गोपाल भट्ट गोस्वामी जितने भी सब बड़े बड़े गोस्वामी थे मथुरा में इनको स्वागत करने के लिए जानवा माता को, और जानवा माता को लेकर के सारे मंदिरों का दर्शन कराए। जानवा माता केवल सबको दीक्षा नहीं देती थी, जब कभी भगवान को भोग लगाना होता था, भक्तों को खिलाना होता था, यही जानवा माता आगे चल करके सबको खाना भी खिलाती। वृंदावन में गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन इन सबको भी जानवा माता एक समय अपने हाथों से रसोई बना के खिलाया करती थी।
जब रघुनाथ दास गोस्वामी उस समय राधा जी के विरह में इतने व्याकुलित राधा कुंड में जब एक छाछ भी थोड़ी सी पतंग में थोड़ी सी छाछ पीकर अपना जीवन निर्वाह करते थे, जब उनको पता चला कि रघुनाथ तो नहीं आ सकते, वो बड़े जीर्ण बन चुके हैं, राधा राधा वृंदावन से जानवा माता राधा कुंड में आती है और आकर के उनके साथ उनको परिक्रमा कराते हैं, तो वो ही जानवा माता आगे चल करके दोबारा जब गोपीनाथ मंदिर राधा गोपीनाथ मंदिर में जाते हैं तो वो वहां पे देखा कि जो गोपीनाथ जी है, गोपीनाथ जी के पास जो राधा जी है वो बड़ी छोटी है, इसलिए उन्होंने क्या किया, मन ही मन में सोच ही तो लिया पर उन्होंने देखा कि नहीं क्या करें, अब छोटी है तो है, रात को सोए गोपीनाथ जी खुद ही बोल रहे हैं कि देखो आनंद मंजरी तुम तो कोई साधा नहीं हो, क्योंकि जो वृंदावन में जो सिद्ध नित्य बनकर सिद्ध बनकर के आएंगे तुम उनकी क्या करते हो, सब जगह तुम उनको देखभाल करते हो और तुम हमारे निकुंज लीला में भी सहायक हो, तुम राधा जी की छोटी बहन हो, इसीलिए सही में मेरी जो राधा रानी है ना बड़ी छोटी है, मैं चाहता हूँ मैं थोड़े बराबर की तो राधा रानी हो, इसीलिए उन्होंने बराबर की राधा रानी के लिए उन्होंने क्या किया, उनको सपना दे दिया, जानवा माता बंगाल में आकर के दोबारा की राधा रानी बनाई और फिर दोबारा उनको भेजा, जो छोटी वाली राधा रानी वो अनंत मंजरी के रूप में और जो बड़ी वाली राधा रानी वो वहां पे, एक दिन गोपीनाथ जी के मंदिर में गए और दरवाजा बंद हुआ, देखा कि जानवा माता आई नहीं रही, जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि जो जो जानवा देवी है ये कहीं है ही नहीं, गायब हो चुके हैं, तो वही छोटी राधा रानी में पहुंच चुके हैं, आज हम जो गोपीनाथ मंदिर में इनको देख रहे हैं बाई तरफ राधे से दाएं तरफ जो उनके अनंत मंजरी है ये वही जानवा माता है जिनके माध्यम से जिनकी भक्तों के माध्यम से गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध परिमा ने सजाए ब्रजेंद्र सुत पाद, जब तक ब्रजेंद्र नंदन बहुत दूर है, जब तक हम महाप्रभु की गौरांग के संगी गणों की वार्तालाप नहीं करेंगे चर्चा विलास नहीं करेंगे तब तक कृष्ण हमसे बहुत दूर है, तो ये वही है हम जैसे दासों के ऊपर कृपा कटाक्ष करके जानवा माता की कृपा करती है हम, यही करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, बहुत कृपा और 5 मिनट ठीक है, अभी ठाकुर जी आरती होगी सबके सब प्रसाद लेकर 5 मिनट तो हमारे प्रभु जी केवल 5 मिनट जनार्दन प्रभु आरती तैयारी दोनों हाथ उठा के बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री मधुदेव गोस्वामी गुरु महाराज जी शरण में साष्टांग संकल्प प्रणाम कर उनके हृदय दीपावासा करता हूँ, तत्पश्चात गुरुदेव वैष्णव हम लोग 2 दिन से श्री रूप शिक्षा को श्रवण कर रहे थे, तो हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार श्रीमद महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को 10 दिन के अंदर जिस जिस शिक्षा को प्रदान किया उसको ही श्री रूप गोस्वामी ने श्रीमद महाप्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें केवल एक ही बूंद प्रदान किया, बाद में श्री रूप गोस्वामी बाद उसको भक्ति रसामृत सिंधु उसी एक बिंदु को लेके पूरे सिंधु में जगत जीवों को उद्धार करने के लिए प्रकाशित किया। तो जो 5 तत्वों के बारे में हम कल श्रवण कर रहे थे उसमें से जो सबसे पहले जो पहला तत्व है, यद्यपि इस तत्व जितने भी तत्व है बहुत सॉफ्ट हैं, आप लोग अगर ध्यान देके समय पूर्वक पूरा कान देके यहाँ पर पूरा बढ़िया करके श्रवण करोगे तो निश्चित रूप में इस चीज को आप समझ पाओगे, क्योंकि श्रीमद महाप्रभु ही स्वयं कहते हैं कि प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसे रक्षण सूत्र रूपे कहे जो विस्तार ना जाए वर्णन, श्रीमद महाप्रभु ही स्वयं कहते हैं कि हे रूप गोस्वामी मैं आपको केवल सूत्र रूप में कह रहा हूँ विस्तार ना जाए वर्णन, मैं केवल विस्तार रूप में आपको नहीं बता रहा हूँ
केवल सूत्र सूत्र रूप में श्रीमद महाप्रभु वर्णन किए हैं। तो सब जीव तत्व को हम कल श्रवण करने वाले थे, उसको पुनः श्रवण करते हैं कि जीव तत्व क्या है। तो वर्णन कर रहे हैं कि तटस्थ शक्ति, तटस्थ यानी एक किनारा। बोले भैया किनारा क्या है? तो बोलते हैं कि कारंग तथा विष्णु, अभी गुरु महाराज बता रहे थे कि तीन विष्णु होते हैं, उनमें भी जो कारंग तथा विष्णु है, जो महाविष्णु है, वो महाविष्णु जब उनके शरीर पे उनके श्वास प्रश्वास से अनंत अनंत कोटि कोटि विश्व ब्रह्मांड का सृष्टि होता है, उसी सारे ब्रह्मांड क्या करते हैं, एक बिरजा नदी में वो तैरते रहते हैं। तो उसी नदी के जो तटस्थ यानी उसी नदी को किनारा में ये जीव का उत्पन्न होता है। तो विशेष करके जीव साधन भाव में दो प्रकार के होते हैं, एक है नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध जीव। तो बता रहे हैं कि जीव जब तटस्थ शक्ति पे उसका सबसे पहले उसका सृष्टि होता है, तो जीव दो तरफ से देखता है, एक तरफ तो वो कृष्ण की तरफ नित्य धाम की तरफ देख रहा है, और दूसरे की तरफ ये माया जगत किस प्रकार इस माया में पड़े हुए सारे जीव भोग कर रहे हैं। तो जीव जब कृष्ण की तरफ देखते हैं, चीज शक्ति की तरफ देखते हैं, चीज जगत की तरफ देखते हैं, भगवान उनको कृपा करके अपने चीज शक्ति देते हैं, भगवान उनको कृपा करके अपने चीज शक्ति को देते हैं, और उसी चीज शक्ति के फल से जीव भगवान के धाम में चले जाते हैं, वो कभी बद्धित अवस्था में नहीं रहते। लेकिन जो लोग माया के तरफ देखते हैं और सोचने लगते हैं, अरे भाई भगवान जैसे भोग कर रहे हैं हम भी भोग करेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज है, सारे भोग वाले चीज है, हम भी भोग करेंगे। अब भोग वांछा की इच्छा जब जीव के हृदय में आता है, तो बता रहे कि कृष्णा विर्मुख या भोग वांछा करे निकट या माया तारे छापती या धरे। बंगला पैर में बता रहे हैं कि कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं, यानी कृष्ण की तरफ मुंह पीछे करके खड़े हो जाते हैं और माया के तरफ इच्छा करते हैं, भोग वांछा करने की जब इच्छा करते हैं तो माया शक्ति क्या करते हैं, उनको पूर्ण रूप में झापटिया जोर जबरदस्त करके खींच करके इस ब्रह्मांड में माया जगत में पुनः भर्ती कर देते हैं भोग करने के लिए। तब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वैकुंठ में जो जीव रहते हैं या भगवान के धाम में जीव रहते हैं, उनसे विद्या नदी के ऊपर भी जो जीव रहते हैं, उनमें ये स्मरण और भूलने वाला प्रक्रिया नहीं होता। बोले ये सब किसमें होता है, जो तटस्थ शक्ति में जो खड़े होते हैं और जो माया की तरफ देख करके इच्छा करते हैं, केवल उनके हृदय में ही ये सारी चीज उत्पन्न होता है। तो जो नित्य मुक्त है, आज हम उसको श्रवण करते हैं क्योंकि समय हो गया है, जो नित्य मुक्त है उनको भी बता रहे हैं कि दो प्रकार के हैं, एक तो नित्य मुक्त बता रहे हैं, एक नित्य मुक्त और एक है नित्य सिद्ध और एक है साधन सिद्ध। तो बोल रहे हैं कि नित्य सिद्ध क्या है, नित्य मुक्त जीव चीज शक्ति की तरफ तो देखते हैं और वो सोचते हैं कि इस जगत के जितने भी जीव हैं, ये सारे जीव किस प्रकार दुख कष्ट भोग कर रहे हैं और इन सब दुख कष्ट से इनको निकाल करके मैं भगवान के चरण में भेज दूंगा। ऐसे करके जीव के उद्धार के लिए जो वैष्णव लोग, जो मुक्त महापुरुष इस जगत में आते हैं, उनको बोला जाता है नित्य मुक्त। उनको क्या बोला जाता है? नित्य मुक्त। जिसके लिए पद्म पुराण में भी कहा गया, न कर्म बंधनं जन्म वैष्णवानां च विद्यते विष्णु अनुचरत्वं हि मोक्षमाहुर्मनिक्षणम्। अरे उसी वैष्णव का कर्म बंधन नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होता। आप बोल रहे जन्म मृत्यु नहीं होता, वो आते हैं जन्म भी होते हैं मृत्यु भी हो जाते हैं। बोले जन्म मृत्यु इसीलिए नहीं होता, वो कर्म के अधीन में नहीं रहते हैं, माया के अधीन में नहीं रहते, वो माया से परे रहते हैं और अपनी इच्छा से इस जगह से जाने की सामर्थ्य रहते हैं, सामर्थ्य रहते हैं। कोई अगर बोलेगा कि भैया इस ब्रह्मांड में मुझे अच्छा नहीं लगा, चलो इस ब्रह्मांड से भाग जाता हूँ, कोई भाग पाएगा? कोई भाग सकता है क्या? कोई बोलेगा चलो अभी थोड़ा स्वर्ग देख जाऊँ, देखने की इच्छा हो रहा है चलो भाग के जाता हूँ, कोई भाग के जा पाएगा? कोई भी नहीं जा पाएगा। लेकिन वो लोग अपने इच्छा से कहीं भी विचरण कर सकते हैं। गुप्ता विचरण निर्भया, एक अर्थ में बता रहे हैं कि जो निर्भय रहते हैं और दूसरे अर्थ में बता रहे हैं कि कहीं भी किसी भी स्थान पे वो विचरण कर सकते हैं। तो बता रहे हैं देखो हम लोग क्यों गौड़ीय वैष्णव के धारा में आए, हमारे गुरुवर्ग किस प्रकार नित्य मुक्त है, एक तो उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ।
हमारे परम गुरु पाद पद्मा के फोटो यहाँ पीछे लगे हुई है। तो भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी बता रहे हैं, जिस समय ये पहले मठ में आए ना, सबसे पहले भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी इनको मठ में लेने के लिए आए। तो गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि मैं जिस समय प्रचार में भी जाता था तो पूज्य पाठ बामन गोस्वामी महाराज जी मुझे प्रचार में जाने से पहले मुझे स्टेशन में छोड़ के आते थे, और प्रचार करके जब मैं मठ में आता था तो मुझे मठ से लेने के लिए भी स्टेशन तक आते थे। अब हर कार्य में ये महाराज जी को लेने के लिए आए। तब एक समय की बात है, गुरुदेव बहुत अस्वस्थ हो गए, पूज्य पाठ भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज अप्रकट हो चुके थे और उनके मन में इच्छा हुआ, इतने अस्वस्थ हो गए कि हमारे पूज्य पाठ भक्तिवेदांत माधव महाराज जी कहते हैं कि गुरुदेव इतने अस्वस्थ होने पर भी गुरु महाराज जी कहते हैं, जब गोवर्धन में थे उनका इच्छा हुआ कि मैं दिल्ली जाऊंगा, फिर उनका इच्छा हुआ नहीं नहीं मैं दिल्ली नहीं मैं पूरी जाऊंगा। तो सब भक्त लोग मना कर रहे थे, इतने अस्वस्थ पर भी गुरुदेव को पूरी लेके गए और पूरी में कार्तिक के महीने में इतने अस्वस्थ हो गए कि सबके सबको लग गया था कि निश्चित रूप में गुरु महाराज जी कुछ दिन में अपुष्ट लीला अप्रकट लीला कर ही लेंगे, सबको ये लग रहा था। तो एक दिन गुरुदेव सबको बुला करके बोलते हैं, अरे देखो मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, बोलते हैं जब तक भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज मुझे हर चीज में मठ में लेने के लिए हर समय मुझे लेने आते थे, इसलिए भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जब तक मुझे लेने नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। कोई समझ में नहीं पड़ क्या बोल रहे हैं, महाराज जी तो अप्रकट हो चुके हैं। तो देखो गुरु महाराज जी का वाणी किस प्रकार था, जिस दिन भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव देती है उसी दिन गुरुदेव का आविर्भाव देती है। मानो नित्य देव से भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज उनको लेने के लिए आ रहे हैं और गुरुदेव अप्रकट हो रहे हैं। तो जो नित्य महापुरुष है वो अपने आप उनके जन्म मृत्यु नहीं होता। और एक उदाहरण मैं बता देता हूँ, पूज्य पाठ भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी उनके एक शिष्य थे जिनका नाम है निताई प्रभु, अभी पूज्य पाठ भक्तिवेदांत आचार्य गोस्वामी महाराज जी। एक समय वो कह रहे थे कि गुरु महाराज जी हर समय कहते थे राधा रानी के प्रति गुरु महाराज जी का इतना झुकाव था, हर दिन राधा रानी के निर्माल्य प्रसाद निर्माल्य फूल माला रोज रोज जब तक नहीं पहनेंगे उनके मन को चैन नहीं, बार बार आके बोलेंगे पुजारी प्रसादी माला उतार के मुझे दे दो, कभी कभी पुजारी अगर डस्टबिन में फेंक देंगे तो महाराज जी उसको डस्टबिन में से उठा कर पहन लेंगे, डस्टबिन में से उठा कर पहन लेंगे महाराज जी। तो महाराज जी एक बार कहे कि देख निताई, मैं जिस समय अप्रकट रहूंगा ना उस समय मेरे साथ कोई नहीं रहेगा, केवल मैं रहूंगा और मेरे राधा रानी रहेंगे। तो उनके सेवक ने बोले गुरु महाराज जी ऐसा हो ही नहीं सकता, वात्सल्य प्रेम था, सत्य भाव भी हो गया था, महाराज जी बड़े मजाक भी करते थे, इसीलिए वो बोलते हैं महाराज जी मैं आपको एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ूंगा, देखते हैं चलो लग गई सर, बोले लग गई देख लेना। जब महाराज जी अप्रकट लीला कर रहे हैं एक दिन पहले अस्वस्थ हो गए और अस्वस्थ होकर बोल रहे हैं कि अरे जल्दी जाकर डॉक्टर को बुला के लेके आओ, और महाराज जी कभी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं थे, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे। इसमें महाराज जी बोलते हैं डॉक्टर क्या करेंगे, इस जगह के डॉक्टर मेरा क्या इलाज करेंगे। तो वो बोलते हैं कि सुबह सुबह हो गए तुम जाओ डॉक्टर को बुला के लेकर आओ जल्दी जाओ। तब निताई ब्रह्मचारी महाराज जी के जो सेवक थे उन्होंने मंदिर के पुजारी को बोलते हैं पुजारी तू 10 मिनट देख मैं जब जाके डॉक्टर को बुला के लेके आ रहा हूँ। इतने में डॉक्टर को बुलाने के लिए गए और पुजारी जिस समय आके नित्य प्रतिदिन पुजारी का नियम था कि मंगल आरती के बाद प्रसादी माला देगा, पुजारी ने आके महाराज जी को प्रसादी माला दिया और महाराज जी ने बोले यहाँ से जल्दी करके चले जाओ जल्दी करके चले जाओ। तब पूज्यपाद आचार्य महाराज मतलब जो निताई ब्रह्मचारी महाराज जी के सेवक थे वो जब आए देखे पुजारी बाहर घूम रहा है तो उन्होंने बोला अरे पुजारी बाहर क्यों घूम रहे हो, बाहर क्यों घूम रहे हो। तो बोल रहे हैं कि अरे गुरु महाराज जी ने बाहर भेज दिया। तो जैसे ही अंदर जाते हैं महाराज जी कृपा कटाक्ष सूत्र को हाथ में लिए हुए हाथ में राधा रानी का प्रसादी माला को लेकर अप्रकट बैठे बैठे अप्रकट हो गए, जैसे बोले थे कि मैं अंतिम समय में कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा केवल राधा रानी और मैं ही अंतिम समय में रहेंगे। तो ये बात को साधन किया। और एक घटना है पूज्य पाठ भक्ति प्रदीप गोकुलपुरी गोस्वामी महाराज जी, मैं उस समय नए नए मठ में आया था तो मल्लिकार्जुन गए थे तो हमारे जयराम प्रभु उन्होंने पूछे कि महाराज आप शिष्य क्यों नहीं बनाते, सेवा कुंज में रहते थे पूरी गोस्वामी महाराज जी के मठ में। तो बोले कि महाराज आप शिष्य क्यों नहीं बनाते, आप शिष्य बना लो।
तब उन्होंने बोलते हैं अरे शिष्य बनाने की क्या जरूरत है, मैं जिस दिन आया था उस दिन अपरक कर दिया करूंगा। बोलते मैं जिस दिन आया था उस दिन चला जाऊंगा, कोई भी समझ नहीं पाए। और सचमुच ऐसा हुआ, रामनवमी के बाद जो एकादशी महाराज जी का आविर्भाव दी थी और उसी दिन ही महाराज अपरक दिला। तो जो नित्य महापुरुष होते हैं ऐसे कई सारा उदाहरण है, नरोत्तम दास ठाकुर का पूज्य पाठ भक्ति गुरु वैखानंद गोस्वामी महाराज का बहुत सारा उदाहरण है, समय का अभाव है। तो ये जो नित्य महापुरुष है, ये नित्य महापुरुष इस जगत में आते अपनी इच्छा से और हम जैसे बद्ध जीव को कृपा करके फिर अपने इच्छा से ही इस जगत से चले जाते हैं। और एक बता रहे हैं कि साधन सिद्ध, बड़े साधन सिद्ध क्या है कि साधन सिद्ध फिर तीन भाग में विभक्त कर रहे हैं। एक है कनिष्ठ साधन सिद्ध भक्त, एक मध्यम साधन सिद्ध भक्त और एक उत्तम साधन सिद्ध भक्त। जो उत्तम साधन सिद्ध भक्त होते हैं उनके जो लक्षण होते हैं ये बता रहे हैं कि सर्वत्र देखे तार इष्ट देवे स्फूर्ति, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति। बता रहे हैं कि जहां भी देखते हैं हर जगह में केवल उनको भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं हर जगह में। तो बता रहे हैं जीव गोस्वामी पाद कि इनमें तीन अवस्था होते हैं, जो साधन सिद्ध जो उत्तम महापुरुष होते हैं इनमें तीन अवस्था होते हैं, बोले तीन कषाय होते हैं। बोले क्या क्या? एक है निवृत्त कषाय, एक है मूर्छित कषाय, एक है प्रेम विवृत कषाय। तो ये कषाय के बारे में भी श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं नारद जी चरित्र में कि हंतास्मिन् जन्मानि भवान् मामाम पुष्टुम अर्हति अभिपक्व कषायानं दुर्दश अहं कुजोगिनां। कि नारद जी को भगवान आकाशवाणी के माध्यम से कह रहे हैं कि हे नारद जी, तुम्हारे जो कषाय अभी परिपक्व नहीं है, लेकिन जो उत्तम सिद्ध जो उत्तम साधन सिद्ध भक्त है उनका कषाय परिपक्व रहता है। बोले क्या क्या? निवृत्त कषाय, हर समय भगवान के नित्य निरंतर भगवान के नाम में भगवान के प्रेम में डूबे हुए निवृत्त कषाय बोला जाता है। हर समय भगवान के नाम रूप गुण लीला में जो डूबे हुए होते हैं। और बता रहे कि मूर्छित कषाय, बोले सुखदेव गोस्वामी जैसे उच्च कोटि के वैष्णव के लिए परम निर्मस्त्रणाम सताम, जिसको भागवत जी में कहा गया है कि परम निर्मस्त्र व्यक्ति होते हैं जो अपने इष्ट के नाम सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं आप बड़े राधे राधे बोलते हो और आपका प्रिय ग्रंथ वैष्णव का प्रिय ग्रंथ भागवत बोलते हो और भागवत जी में तो राधा रानी का नाम है ही नहीं, भागवत जी में राधा रानी का नाम है नहीं। तो उसका एक कारण है भागवत जी कौन कह रहे हैं? बोले सुखदेव गोस्वामी पाद। और सुखदेव गोस्वामी पाद अगर एक बार राधा रानी का नाम ले लें तो सड़ मासिक मूर्छित भवे, छह महीने तक मूर्छा हो जाएंगे, मूर्छा में चले जाएंगे ये सुखदेव गोस्वामी पाद। और परीक्षित महाराज जी के पास 7 दिन का समय है और पहले ही दिन अगर राधे बोल देते और मूर्छित हो जाते तो परीक्षित महाराज जी का उद्धार कैसे होता? इस जगत में भागवत का प्रचार प्रसार कैसे होता? इसीलिए उन्होंने कहीं कहीं गुप्त रूप में राधा रानी का नाम लिया है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं मूर्छित कथा है और एक है प्रेम विवर्त कथा है, जो हर समय प्रेम में डूबे रहते हैं। इसको बताया गया है उद्धव जैसे महाभागवत ये हर समय उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए इनमें पूर्ण रूप में कथा दूर हो गया था और हर समय उस ब्रजगोपियों को प्रेम को प्राप्त करने की उनकी इच्छा उनके लालसा था। तो ये होते हैं साधन सिद्ध भक्त। तो ये जो साधन सिद्ध भक्त होते हैं वो लोग क्या करते हैं इस जगत में आके उत्तम कोटि का जो वैष्णव होते हैं वो तो केवल देखने मात्र से कृष्ण प्रेम प्रदान कर देंगे, लेकिन उत्तम से भी हमारे गुरु वैष्णव लोग मध्यम श्रेष्ठ में आते हैं, मध्यम स्टेज में आते हैं। बोले क्यों? क्यों शासन करेंगे, शिक्षा देंगे। बोले हमारे गुरुपाद पद्म क्या क्या करते हैं? बोले रस्सी तो फेंक रहे हैं, उदाहरण दे रहे रस्सी तो फेंक रहे हैं, जिसने पकड़ लिया उसका उद्धार हो गया। बोले जो नहीं पकड़ पाया उसके लिए फिर क्या? बोले गुरुपाद पद्म स्वयं उनके पास जाते हैं और हाथ में उनको बोलते हैं भैया पकड़ लो, भैया पकड़ लो, खेच कर उद्धार कर दूंगा, जल्दी से पकड़ लो। स्वयं गुरुपाद पद्म जाते हैं, भैया तिलक लगाओ, कंठी लगाओ, दीक्षा लो, गुरु मंत्र लो, गौड़ीय परंपरा में जुड़ो। स्वयं गुरुपाद पद्म घर घर में जाके बोलते हैं फिर भी नहीं दिया। बोलते हैं गुरुदेव चाय नहीं छोड़ा जाता है, गुरुदेव प्याज लहसुन खाना नहीं छोड़ सकते, गुरुदेव थोड़े दिन के बाद दीक्षा ले लेंगे, इस प्रकार जो बहाना मारते हैं। फिर गुरुदेव बोलते हैं भाई इसको भी उद्धार करना पड़ेगा।
बोले कैसे? बोले गला में बांध लिया, उसको गले में बांधते रस्सी, बोले गले में बांध के जय न तेन प्रकार मन कृष्ण नियोजित, जैसे जैसे करके उसको पुनः रूप में उसको खींचते हैं, जिसके लिए नरोत्तम दास ठाकुर ने भी वर्णन किया कि अनेक जतन परे दया छिल ब्रज पुरे कृपा डोर गलाए बांधे लो पुनः यदि कृपा करे एजनार कैसे दरी दैवी माया बलत्कारे कथा या सही करे जीवे कुबे भवे कटारिया पुनः यदि कृपा करे एजनार कैसे दरी तामिया तुलह ब्रज धामे कि हे प्रभु आप पुनः कृपा करके क्या करो उस गले में जैसे बांधते हैं ना, मतलब क्या जो बोलते हैं कि पिया जैसा नहीं छोड़ पाएंगे दिशा ले नहीं पाएंगे, गुरु महाराज उसको नीम के माला देते कम से कम भगवान के नाम तो जप करो इससे तुम्हारा अनर्थ तो दूर हो जाएगा, धीरे धीरे चेष्टा करो जाए पिया जैसा सब छोड़ के भगवान में तो लगो, थोड़ा बहुत तो नाम को जप करो थोड़ा बहुत तो उधार हुआ तो बोलते हैं गला में बांधना, गला में बांध करके नहीं खींचते हैं, फिर भी हम ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, हम जैसे थे वैसे ही रहना चाहते हैं माया में डूबे हुए, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से समझ नहीं पाते, तो इसको बोलते हैं साधन सीधा भक्ति। हम आगे भी श्रवण करेंगे आरती होगी, सब सब खड़े हो जाओ, पर आरती के बाद में सब प्रसाद लेके भी जाना है। कहाँ गया? अरे राहुल कहाँ गया? जय जय गोला आरती को शो Thank you.
Thank you.